हेलो बच्चों पी वाई क्यू जई एडवांस्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी की सीरीज़ में आपका मोस्ट वेलकम तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वेव थ्योरी को तो इन तीनों चैप्टर से जई एडवांस्ड में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये है यूनिट नंबर सिक्स चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन जो कि एडवांस्ड दो के अंदर पूछा गया है two loudspeakers m and n are located 20 meter apart and emit sound at frequencies uh, 118 hz and 121 hz respectively a car is initially at point p 1800 meter away from the midpoint q of the line mn and moves towards q constantly at 60 km per hour along the perpendicular bisector of mn it crosses q and eventually reaches a point r 1800 meter away from q let new t रिप्रेजेंट द बीट फ्रीक्वेंसीवली स्पीड ऑफ साउंडी मीटर पर सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द साउंड हर्ड बाई द पर्सन ये आपके सामने ऑप्शन है तो दो स्पीकर हैं और इनकी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है है ना वन वन एट हर्ज और वन ट्वेंटी ठीक है तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंसेस हैं और दोनों को 20 मीटर डिस्टेंस पे आपने रखा हुआ है काफ़ी क्लोज है और जो कार है वो आ, उनको उनके जो मिड पॉइंट है ठीक है एम और एन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उनका मिड पॉइंट जो क्यू है उससे एटीन मीटर दूर है मतलब काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थोड़ा डायग्राम बनाएं अपन तो यहां मैं एम को कंसिडर कर लेता हूं और इस तरफ है जी एन और ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है और ये मिड पॉइंट है क्यू ये डिस्टेंस टेन मीटर है और ये वाले डिस्टेंस भी टेन मीटर के इक्वल है और क्यू से काफ़ी दूर काफ़ी दूर पी पॉइंट है और ये एटीन हंड्रेड मीटर है तो इसकी कंफर्टेबली काफ़ी लार्ज है ये और सेम इस तरफ नीचे पॉइंट आर है ये भी एटीन हंड्रेड मीटर है तो कार पी जो है वो क्यू की तरफ मूव कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड Uh, हम उसको वी सी लैट कर लेते हैं ठीक है और वी सी की वैल्यू हमारे पास है uh, जो कि है uh, 60 किलोमीटर पर आर राइट ये स्पीड आपको दे रखी है तो फर्स्ट जो पूछा है द प्लॉट बिलो रिप्रेजेंट्स द सिमेटिकली द वेरिएशन ऑफ द बीट फ्रीक्वेंसी विद टाइम बीट फ्रीक्वेंसी का टाइम के रेस्पेक्ट में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनना चाहिए रफली हमें थोड़ा आइडिया लगाना है और सेकेंड भी ऐसा ही है तो इनमें से करेक्ट देखना है कौन सा है और थर्ड देखना है कि न्यू पी प्लस न्यू आर इक्व टू न्यू क्यू तो यहां पर बीट फ्रीक्वेंसी और यहां वाली जो बीट फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी दोनों का सम जो है वो क्यू पर जो बीट फ्रीक्वेंसी वो सुनेगा उसके टू टाइम्स के इक्वल है ये भी देखना है और फोर्थ जो है रेट ऑफ चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी ये भी हमें फाइंड आउट करना है देखना है कि सही है या गलत है ठीक है नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपन ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखने वाली है यहाँ पर कि ये डिस्टेंस टेन मीटर ये वाली डिस्टेंस टेन मीटर है जो कि काफी स्मॉल है तो अगर ये कार इस रस्ते के थ्रू जब ये मूव करते हुए आएगी सपोज कार यहां पर है अभी इस लोकेशन पर है ठीक है इसकी स्पीड अपने पास वी सी है ठीक है तो वेलोसिटी जो है वी सी वो इस कार को एम के साथ जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है सपोज ये थीटा एंगल फॉर्म कर रही है यहाँ से सेम एंगल यहाँ से भी फॉर्म करेगी थीटा ठीक तो है तो यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी एफ वन है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो एम की है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एम एन की एफ टू है तो कार में जो ऑब्जर्वर है उसको कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा इस गिवन लोकेशन पर वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं वो होगी इज इक्वल टू ब्रैकेट ये ये ऑब्जर्वर है सोर्स तो तो और ये इसकी मूव कर रहा है तो प्लस में वीसी थीटा ठीक है हमें मालूम है अच्छे से कि का उस जो नहीं के ले हमें लेना पड़ता है तो VC का इस तरफ लेना पड़ेगा और डिवाइड में भी ओके okay. और यहाँ से जो साउंड आएगा उसकी भी आ, इसको फ्रीक्वेंसी जो भी है वो अलग सुनाई देगी ठीक है तो एफ टू डैश इक्व टू एफ टू ब्रैकेट वी प्लस वी सी कॉस थीटा अपॉन वी तो ये वाली क्वांटिटी दोनों में सेम है और बीट फ्रीक्वेंसी बेटा इनका डिफरेंस होता है तो इन दोनों को सब्टेक्ट कर दें तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास तो एफ टू डैश माइनस एफ वन डैश इसको न्यू लिख सकते हो मैं एफ बी लिख देता हूँ इसको ठीक है एफ बी बीट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंस लेना है तो सीधी सी बात है यहाँ एफ टू माइनस एफ वन तो नजर आ ही रहा है बाकी ये जो क्वांटिटी है कांस्टेंट रहेगी v प्लस मतलब थीटा के साथ वेरी करेगी इन दोनों के लिए सेम है तो यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है एफ टू गिवन है एफ वन गिवन है v गिवन है v गिवन है वी सी भी कॉन्स्टेंट है बस थीटा वेरी करेगा अगर हम इनिशियली देखें जब ये पी पर है तो थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है है ना तो क्योंकि ये डिस्टेंस काफी लार्ज है तो थीटा काफी स्मॉल होगा तो कोस थीटा कोस जीरो लगभग ऑलमोस्ट तो उस केस में आ, ये जो वैल्यू है ये v प्लस वी सी बाई वी के ऑलमोस्ट बराबर रहेगी तो जैसे जैसे कार मूव करेगी पास आएगी वैसे वैसे थीटा इंक्रीज होगा लेकिन अगर अपन काफी लार्ज डिस्टेंस की बात करें तो ये वैल्यू शुरुआत में ही चलेगी ऑलमोस्ट है क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत धीमे धीमे चेंज होगी यहाँ पर तो कोस थीटा में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा वो ज्यादा चेंज कब आएगा जब ये कार काफी नजदीक पहुंच चुकी होगी उस केस में चेंजेस नजर आएंगे अपन को तो इसका मतलब ये हुआ शुरुआत में अगर हम बात करें

आ, जो जो एफ टू माइनस एफ वन है ना उससे फिर वो रेफरेंस जो है उसका घट जाएगा ठीक है तो इसका रफली ग्राफ कैसा बनना चाहिए का, का तो, फिर फिर तो मतलब जब ये आर पॉइंट पे जाएगा तो उस केस में अवे जाएगा और उस केस में थीटा ऑलमोस्ट पाई के बराबर होगा तो उस केस में ये वैल्यू माइनस का बी हो जाएगा ठीक है तो ये क्यू पॉइंट पे रहेगा क्यू पर पर बीट फ्रीक्वेंसी एफ टू माइनस एफ वन इक्वल होगा राइट और यहां पर जो है आर पे देखा जाए तो आर पर बीट फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी पे सबसे ज्यादा होगी उस केस में देखा जाए तो तो राइट तो रफली इसका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए जो कि फर्स्ट ऑप्शन था उसके बाद अगर हमसे कोई कहे कि पी पर बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है आर पे बीट फ्रीक्वेंसी कितनी और क्यू पर कितनी है, है इनमें क्या रिलेशन हो सकता है क्यू पर अगर बीट फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो क्यू पर थीटा की वैल्यू 90 है और कोस 90 की वैल्यू जीरो जाएगी तो Q पर अगर बीट फ्रीक्वेंसी देखी जाए जिसको न्यू Q नाम दिया है तो न्यू Q इक्व टू एफ टू माइनस एफ वन और यहां जाएगा यह कॉस नाइन जीरो हो जाएगा, v v हो जाएगा, तो ये वाली क्वांटिटी आप यहां से रिमूव कर सकते हो ओके एफ टू माइनस एफ वन बचा न्यू क्यू न्यू पी की बात करें अगर, अगर अपन P पॉइंट पर तो थीटा की टर्म्स में भी अपन रख सकते हैं तो ये आ जाएगा एफ टू माइनस एफ वन यहां जाएगा वी प्लस

और ये आ जाएगा v माइनस वी सी कॉसानोट अपॉन v अगर अपन दोनों का सम करेंगे तो न्यू p एंड न्यू r का अगर सम किया जाए तो थीटा कॉसानोट और ये वाला VC cos theta note कट जाएगा और यहां पर v बाई वी वन आएगा और यहां पर भी v वाई वी वन आ जाएगा सही है तो वन का मतलब ये टू टाइम्स हो गया मतलब न्यू p और न्यू r का जो सम है न्यू q का टू टाइम्स आ रहा है ये क्लियरली यहां पर मैथमेटिक्स में नजर आ रहा है भैया ठीक है तो इसका मतलब यहां पर अगर, अगर अपन पिछले पेज पे चले यस इसको रब कर देते हैं तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है सेकंड इनकरेक्ट हो गया थर्ड की बात करें थर्ड भी करेक्ट है फोर्थ की बात करें रेट ऑफ चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वेन द कार पासिस थ्रू क्यू जब क्यू पॉइंट को पास करेगा तो रेट जो है बीट फ्रीक्वेंसी का है ना वो मैक्सिमम है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा यहां पर चलिए उसको भी देखते हैं नेक्स्ट पेज पे चलें आइए तो ये एम ये एन सपोज कार यहां पर अभी वेलोसिटीज की Vc है ये अभी हमने लिखा ही था यहां पे थीटा है यहां पे थीटा है और ये वाली डिस्टेंस जो है वो लगातार चेंज हो रही है ठीक है ये इस डिस्टेंस को मैं ए कंसीडर कर लेता हूँ ए बराबर टेन मीटर है ये टोटल ट्वेंटी मीटर है तो यहां से बीट फ्रीक्वेंसी की हमारे पास वैल्यू जो आई थी वापस लिखू मैं एफ टू माइनस एफ वन और ब्रैकेट में हमारे पास आया था v प्लस वी सी कॉस थीटा बाई वी ये हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी आई राइट अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमें तो इसको वन प्लस वी सी बाई वी कॉस थीटा लिख सकता हूं मैं तो इसका रेट अगर आपसे पूछे तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टी के रेस्पेक्ट में ये वाली क्वांटिटी तो कांस्टेंट है तो एफ टू माइनस एफ वन एज इट इज और यहां पर वन यह का डिफ्रेंशिएशन जीरो जाएगा और देन वी सी बाई वी वी सी बाई वी और कॉस्ट थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इन टू डी थीटा बाई डी टी ये हमारे पास रेट आ चुका है अब ये रेट हमें बताना है कि मैक्सिमम है कि नहीं है मैक्सिमम कब होगा थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए होगा तो यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी हमें चेक करना पड़ेगा तो उसके लिए हम देखते हैं ये यह यहाँ पर ट्रैंगल जो नजर आ रहा है इस ट्रेंगल में आ, ये जो लेंथ है ये मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूँ तो यहाँ से टेन थीटा की जो वैल्यू है थीटा जो है वो आ जाएगा परपेंडिकुलर आएगा और यहां से अगर मैं इसको डिफ्रेंशियट करूं थीटा कोई और एक्स का आ जाएगा माइनस वन dt एक्स है और, एक को और, का जाएगा, एक और ये आ, या तो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में कर दें अपन या चलो टी के रेस्पेक्ट में करने देते हैं वेलोसिटी आ जाएगी वापस लिखूं इसको मैं डी थीटा बाई डी टी और यहां आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी ओके डी एक्स बाई डी टी जो है वो माइनस वी को रिप्रेजेंट करेगा माइनस वीसी को क्योंकि x is decreasing, right? तो यहां से आपके पास रिलेशन आ गया सेक्स स्क्टा डी थीरा बाई डीटी इज इक्वल टू माइनस एज बाई एक्स स्क् और ये आ जाएगा vc बट माइनस का ये प्लस हो जाएगा तो यहां से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू में इन टर्म्स ऑफ वी सी एंड एक्स यहां पर रख सकता हूं तो यहां पर अगर ये वैल्यू रखें तो ये वाली क्वांटिटी तो जो भी है ये तो फिक्स है ये वीसी था जो भी है ये तो फिक्स है ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है पूरी पूरी तो सारा खेल इसी पे डिपेंड कर रहा है साइन थीटा डी थी डाबाई डी पे तो इसी को ही हम डील कर लेते हैं तो साइन थीटा इंटू में डी थी डी टी डी थी डाबाई डी को देखें तो यहां जाएगा ए वीसी अपोन में स्क्वायर और यहां जाएगा सेक्स थीटा अच्छा यहां पर एक्स पता नहीं है एक्स की वैल्यू अपन रख सकते हैं ए बाई टेन थीटा एक्स बराबर ए बाई टेन थीटा तो इस एक्स को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से इसको रख दूंगा ए बाय टेन थीटा ए स्क्वेयर बाय टेन स्क्र थीटा तो टेन्सक्टा ऊपर तो चला गया यहां से फर्दर अपन रख सकते हैं इसको साइन थीटा ये ए से ए कट गया ये वी सी और इंटू में ये टेन स्क्वेयर थीटा है दैट मीन्स साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में कॉस्क्र थीटा और यहां पे तो यह सेक्स थीटा सेक्स स्क्र थीटा तो ये थीटा यह सेक्सक्टा थीटा कट जाएगा तो यहां पे साइन क्यूब थीटा आ गया इसका मतलब ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है साइन क्यूब थीटा के प्रोपोर्शनल आ रहा है और साइन क्यूब थीटा सीधी सी बात है मैक्सिमम कब होगा जब थीटा 90 होगा और थीटा 90 कब होगा थीटा 90 यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा जब ये है वो मैक्सिमम कब होगा जब ये कार इसके मिड पॉइंट को क्रॉस करेगा ओके तो अब हम इसको जवाब दे सकते हैं इसका रब कर देता हूं यस तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बेटा थर्ड भी करेक्ट एंड फोर्थ भी इसका करेक्ट होगा काफी अच्छा क्वेश्चन था ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्लॉक एम हैंग्स वर्टिकली एट द बॉटम एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ कांस्टेंट मास पर यूनिट लेंथ द रोप एंड ऑफ द द टॉप एंड ऑफ द रोप इज अटैच्ड टू ए फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट एट ओ ए ट्रांसवर्स वेव पल्स पल्स 1 ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नोड इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ओ ऑन द रोप ओके द पल्स टेक्स टाइम टी ओ ए टू रीच पॉइंट ए

वेव की स्पीड अपन लिखते हैं, तो ये जो है, इसका जो है, वो है, कॉन्स्टेंट है और टी इज अ टेंशन टेंशन जहां पर भी आपको वेव स्पीड फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पर हमें टेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है तो इसको मैं आ, अलग से एक डायग्राम में बनाओं. तो इस डायग्राम को आप, यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं

तो सपोज ये जो पल्स है ये सपोज यहां तक पहुंच गई तो जब कोई भी पल्स इनमें से कोई भी पल्स यहां तक पहुंचेगी ये मान लीजिए डिस्टेंस एक्स है यहां पर तो यहां पर वेव स्पीड सपोज वी है तो वी को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट टी बाई म्यू द टेंशन एट दिस पोजिशन और टेंशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है यहां पर तो एक तो वेट आ जाएगा इसका एम जी और ये जो आपको ये वाला रोप जो नजर आ रहा है इस रोप का कुछ ना कुछ वेट भी होगा मास पर यूनिट लेंथ जो रोप का है वो म्यू है तो एक्स लेंथ का मास हो जाएगा म्यू एक्स तो यहां पर टेंशन कितना जनरेट होगा स्पीड आ जाएगी वेव की और अगर हम इसको देखें तो जी तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस एम बाई म्यू इन टू जी तो ये हमारे पास वेव स्पीड आ चुकी है तो एक्स के साथ स्पीड जो वैरी कर रही है सीधी सी बात है वेव को यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा तो वी की इक्वेशन आपके पास है वी को लिख देंगे टी, ठीक है और इसको देन फर्दर इंटीग्रेट करके अपन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो डी टी बराबर डीएक्स अपॉन में अंडर रूट ये प्लस एम जी बायू या जी को बाहर ले लिया जाए तो ये इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करके एक्स की वैल्यू जीरो टू एल तक रख के इसका टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है इस वाली पल्स की बात करें और इस वाले पल्स के लिए बात करें अगर तो इस वाली पल्स के लिए भी सेम अप्रोच लगाई जा सकती है इसके लिए बस लिमिट लगानी पड़ेगी लिमिट इसके लिए कहां से कहां तक होगी भाई देखो इस वाली वेव पल्स के लिए भी एक्स डिस्टेंस पर यहां से एक्स डिस्टेंस पर स्पीड इतनी है सेम है और इसके लिए अगर हम लिमिट लगाए तो इसके लिए एक्स क्या होगा एक्स होगा एल टू जीरो एल तक जाएगा इसके लिए अगर हम बात करें तो टाइम लिमिट की बात लिमिट में फर्क आएगा बस और कुछ नहीं आएगा लेकिन टाइम की वैल्यू क्या रहेगी दोनों के लिए सेम आएगी ठीक है सेम मीडियम है सेम स्ट्रिंग है टाइम क्या लगेगा सेम लगेगा क्योंकि रिलेशन दोनों के लिए सेम ही आएगा उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला तो यहां पर देखा जाए वापस पीछे आए अपन तो यहां पर देखा जाए दोनों पल्स को टाइम जो है ओ से ए या ए से ए तक जाने में ओ, ए से ओ तक जाने में टाइम सेम लगेगा ठीक है तो इस वाले पार्ट को एक बार मैं थोड़ा शिफ्ट कर दूं यस यस तो तो इसको शिफ्ट कर दिया जाए yes. तो यहां पर देखा जाए तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है।, pulse है दोनों पल्स जब इस मिड पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो मिड पॉइंट पे सीधी सी बात है टेंशन तो दोनों के लिए सेम ही होगा इसका मतलब वेव स्पीड भी दोनों की क्या होगी सेम होगी वेलोसिटीज तो का पूछा है डायरेक्शन हाँ, की बात करें डायरेक्शन अपोजिट है वेलोसिटी में डायरेक्शन आती है लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड में अगर अपन बात करें तो वेलोसिटी दोनों की सेम होगी थर्ड है द वेव लेंथ ऑफ द पल्स वन बिकम्स लॉन्गर वेन इट रिज पॉइंट ए देखिए वेव पल्स जो वन है ये वन जब ए पर पहुंचेगी तो इसकी जो वेव है राइट right, वेव जो है वो बढ़ जाएगी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वेव स्पीड वी इक्वल टू एफ लैमडा होता है

करेक्ट है तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन-कौन से हो जाएंगे फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ राइट चलिए तो इसमें सेकंड ऑप्शन थोड़ा सा वो है कि वेलोसिटी में हो सकता है कि कि लगे तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है स्टेशनरी सोर्स इमिट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ नोट फोर नाइन टू साउंड इज रिफ्लेक्टेड बायार्ज कार अप्रोचिंग स्पीड ऑफ टू मीटर पर सेकेंड ओके तो एक स्टेशनरी सोर्स है उसकी फ्रिक्वेंसीड बाई लार्ज कार एक कार है ये मान लीजिए कार का ही पार्ट है और वो इस सोर्स की तरफ अप्रोच कर रही है किसी स्पीड वी सी से और वीसी की वैल्यू टू मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है वाट विल बी दीट फ्रीकेंसी ऑफ रिजल्टिंग सिग्नल in hertz uh, given that the speed of sound in air is this and the car reflects the sound at the frequency it has received okay to so, dekhiye beat frequency hame yahi puchi hai ek to matlab observer yahan par hai ek to direct f note frequency ka sound se sunai de raha hai और एक दूसरा जो sound wave यहां से आएगी इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस जो आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली कुछ अलग नजर आएगी मतलब अलग सुनाई देगी तो उनमें जो डिफरेंस है वही बीट फ्रीक्वेंसी राइट तो इसको कैसे कैलकुलेट करें तो जो कार है इसको अप्रोच कर रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार है वो एज ए एज एन ऑब्जर्वर की तरह वो बिहेव करेगा ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी इसको जो सुनाई देगी वो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए उसको मैंने एफ लिखा है यहां पर एफ हो जाएगा एफ नॉट ये एज ए ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा वी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर प्लस ये अप्रोच कर रहा है तो वी प्लस वी ओ हो होता है तो वी ओ की जगह वी सी लिखेंगे यहां पर अपॉन में वी तो ये जो कार है ये कार की अब ये फ्रीक्वेंसी हो चुकी है ये जो कौन सी फ्रीक्वेंसी जो ये रिसीव कर रही है अब कार रिफ्लेक्ट करेगी साउंड को है ना रिफ्लेक्ट करेगा तो अब कार एज एन ऑब्जेक्ट हो जाएगा सोर्स हो जाएगा तो ये सोर्स की एफ हो जाएगी, तो अब इसको कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा मान लीजिए वो एफ डैश है तो अब एफ डैश को क्या लिखेंगे हो चुकी है एफ ब्रैकेट अब ये एज ए सोर्स है तो v अपॉन ये अप्रोच कर रहा है तो नीचे आ जाएगा v माइनस वीसी ठीक है ये की जाएगा। तो वैल्यू कितनी नोट, वी प्लस वी सी वी वी सी। तो इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है इस ऑब्जर्वर को सुनाई देगा जो रिफ्लेक्शन के बाद में वेव आएगी और एक एफ नॉट तो जो इसको सुनाई दे रही थी तो बीट फ्रीक्वेंसी इन दोनों का डिफरेंस होगा तो उसमें से मैं एफ नॉट ये सब्टेक्ट कर दूंगा एफ नॉट सब्टैक्ट करते हैं चलो इसको रब कर देता हूं मैं <coughs> तो यहां पर बीट फ्रीक्वेंसी एफ बी इज इक्वल टू उसमें से एफ नोट करोगे तो एफ नोट कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में कितना आया वी 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 प्लस सी सी अपॉन माइनस माइनस तो यहां से एफ बी आ जाएगा हमारे पास एफ नोट और ये माइनस का वी कट जाएगा ये टू वी सी आ गया यहां पर और ये वी माइनस वी सी ओके अब यहां पर आप ये वैल्यू रख सकते हो तो एफ नोट की वैल्यू हमारे पास फोर नाइनटी टू हर्ड्स है टू टाइम्स ऑफ वी सी की जो वैल्यू है वो है टू और डिवाइड uh, में वी माइनस वी सी तो थ्री थर्टी में से टू अगर सब्टैक्ट करें तो कितना आ जाएगा थ्री ट्वेंटी एट थ्री ट्वेंटी एट राइट ये हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी आ चुकी है और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये एग्जैक्टली exactly सिक्स के बराबर आ जाएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन जो है जे एडवांस का सिंपल क्वेश्चन है टफ नहीं माना जाएगा ये ठीक है तो बेसिक क्वेश्चन है बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा और हम इसमें आंसर फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रॉकेट इज लॉन्स नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ अर्थ अवे फ्रॉम द सन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द अर्थ द सन इज थ्री इंटू टें पावर फाइव टाइम्स द अर्थ एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट फाइव इंटू टेन दावर फोर टाइम्स लार्जर देन द रेडियस ऑफ अर्थ द स्केप विलोसिटी फ्राम अर्थ ग्रेविटेशन फिल्ड इज वी ई विच इज वन इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकंड द मिनिमम इनिशियल वेलॉसिटी वी ई रिक्वायर्ड फॉर द रॉकेट टू बी एबल टू लीज द सन अर्थ सिस्टम इज क्लोजेस्ट टू इग्नोर द रोटेशन एंड अर्थ एंड ऑफ एनी अदर प्लेनेट तो हमें यहाँ पर स्केप विलॉसिटी फाइंड आउट करनी है ग्रेविटेशन का ये क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है चलिए देखते हैं सबसे पहले मैं अर्थ को ड्रॉ करूँ अर्थ के सेंटर से ये सन है ठीक है ये सन बना दिया मैंने अर्थ का जो मास है उसको मैं लिख देता हूं एम ठीक है और जो सन है उसका मास काफी लार्ज है अर्थ से अर्थ के कंपेटेबली थ्री इंटू टेन दावर फाइव टाइम्स है इसका मतलब इसका मास मैं लिख देता हूं यहां पर थ्री इंटू टेन टू द फाइव एम रेडियस की अगर हम बात करें ये अर्थ की रेडियस कैपिटल आर है और इनके बीच के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो अर्थ की रेडियस से टू पॉइंट फाइव इंटू टेंट दावर फोर टाइम्स और रॉकेट को अवे फ्रॉम द सन मतलब यहां से लॉन्च किया है रॉकेट को ध्यान से से देखना यहां लॉन्च किया इस तरफ तो इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी हमें बतानी है ठीक है इसको मैं वी लिख देता हूं सिंपल ये वाली वैल्यू हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है और रफली हमें आंसर पता लगाना है ऑप्शंस जो हैं वो डिफरेंसेस काफी हैं मतलब दूर दूर हैं तो अपन आइडिया लगा सकते हैं इसमें रफली तो ये कुछ है और इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो अर्थ के लिए स्के बलॉसरी है चलो नेक्स्ट पेज पे चलें चलिए तो सबसे पहले अर्थ के लिए बात कर लें अपन अर्थ के लिए हम जानते हैं अगर स्के वेलोसिटी अर्थ की वी है तो वी की वैल्यू अगर हम देखें तो अंडर रूट टू जी कैपिटल एम बाय आर के इक्वल होगा और इसकी वैल्यू हमारे पास है 11.2 किलोमीटर पर पर सेकंड लेकिन इन दोनों सिस्टम के लिए अर्थ सन सिस्टम के लिए अगर हम बात करें रॉकेट को यहां से लॉन्च किया तो उसके लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए राइट ठीक है तो देखते हैं तो यहां पर आपने रॉकेट को लॉन्च किया तो रॉकेट को काइनेटिक एनर्जी दी रॉकेट की यहां पर एनर्जी होगी ड्यू टू तो अर्थ ड्यू टू तो सन ड्यू टू तो अर्थ एंड सन अगर यहां पर पोटेंशियल देखा जाए तो वो कितना आएगा माइनस जी एम बाई कैपिटल आर ये अर्थ का पोटेंशियल है यहां पर और सन का पोटेंशियल अगर देखा जाए तो वो भी आ जाएगा यहां पर माइनस जी एम एस सन का और बाई जो डिस्टेंस है ये uh, जो है इसमें ये वाली क्वांटिटी आप ऐड करोगे तो बहुत uh, कम ही फर्क आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस तो टू पॉइंट फाइव डेंटी पॉ फोर आर है इसमें ये आर ऐड भी होगा तो स्लाइटली uh, थोड़ा सा हरका सा फर्क पड़ेगा तो उस इफेक्ट uh, को अपन इग्नोर कर सकते हैं ऑलमोस्ट तो ये मैं वैल्यू यहाँ पर रख दूँ बेटर रहेगा चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर ओके okay, तो ये आ जाएगा जी और इंटू में 2.5 2.5 रखना है 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 सबसे पहले मुझे तो mass पे कितना ये आ गया और divide में है लगाना हमें है ना तो रफली आइडिया लगा सकते हैं आराम से तो ये पोटेंशियल किसका आया सन का आया इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट लगभग लगभग और इंटू में अगर मैं इसको स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये स्मॉल एम रॉकेट का जो मास है मतलब रॉकेट की जो एनर्जी आ जाएगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और वो काइनेटिक एनर्जी तो आपने लॉन्च किया तो फाइनल काइनेटिक कैनेडिक फाइनल टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए इसके वेलोसिटी के लिए ठीक है तो टोटल एनर्जी जो है वो जीरो करनी है हमें यहां से ये एम उड़ जाएगा पिक्चर से जो एम है वो गायब हो जाएगा यहां से यहां तक ये यह गया और फिर आप इसको इक्वेट कर सकते हो तो वी स्क्र बाई टू इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी एम बाई आर यहाँ पर ये यह प्लस का हो जाएगा ये भी जी एम बाई आर और इधर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा थर्टी बाई टू पॉइंट फाइव ठीक है तो ये इसको जीरो जीरो कर दें अपन यहाँ से आ जाएगा वन और ये ट्वेल्व ये ट्वेल्व टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा ठीक है देन टू से आगे अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो वी बराबर कितना आएगा अंडर रूट टू जीएम बाय आर प्लस टू इंटू ट्वेल्व जीएम बाई आर राइट तो ये वैल्यू हमारे पास यहां पर आ चुकी है तो टू जी एम बाई आर प्लस टू इंटू ट्वेल्व जीएम बाई आर यस तो अंडरवूड टू जी एम बाई आर जो वी के इक्वल है, तो टू जी एम बाई आर जो है वो इलेवन पॉइंट टू का स्क्वायर जो है वो यहां पर रख सकते हो आप वी बराबर या तो इसको हम बाहर ले आए तो 200 gm/r जो बाहर आ जाएगा तो 11.2 बाहर आ गया और अंडर के अंदर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1 प्लस ये 12 आ जाएगा 1 प्लस 12 13 तो रूट √13 को जब आप 11.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो वैल्यू है वो 40 प्लस में आएगी वैल्यू ठीक है 40 प्लस आएगी यस तो रूट √13 और इनटू में जो है वो इलेवन पॉइंट टू है तो रूट थर्टीन की बात करें तो वो ऑब्वियसली थ्री और फोर के बीच में लाए करेगा थ्री और फोर के बीच में लाए करेगा फोर कर दें तो फोर्टी फोर समथिंग आ रहा है और थ्री थ्री कर दें तो सीधी सी बात है तो थर्टी थ्री तो मतलब फोर्टी प्लस में ही वैल्यू आएगी अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इसका अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा बेटा ठीक है फोर्टी टू किलोमीटर पर सेकेंड ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले

अगर इस क्यू की बात करें यहां पर तो क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो कुछ ऐसे पास होंगी ठीक है जस्ट ऊपर रखा है ये, तो अगर आप गौर करें

इसमें जो फील्ड लाइंस पास हो रही है उसी का ही फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है तो ये कौन बन गया एक और कौन के अगर वर्टेक्स पर कोई चार्ज रखा हुआ है ठीक है और उसके कॉन के बेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पूछे बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है सिंपल सी अप्रोच है चार्ज क्यू ये एंगल थीटा और ये आर है ये भी आर ही है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये आर ये वाला भी आर तो थीटा ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव आ गया तो उसके इसमें फ्लक्स कितना पास होता है फ्लक्स पास होता है क्यू बाय टू एपस एल नॉट

नेक्स्ट कह रहा था टोटल फ्लक्स थ्रू द कर एंड फ्लैट सर्फेसिस जो हमें नजर आ रहा है और जो फ्लैट सर्फेस हमें नजर आ रहा है ये वाला है ना इनसे पास होने वाला टोटल फ्लक्स के इक्वल है नहीं पूरी तरह से इनकरेक्ट है क्योंकि क्यू का मतलब ये होगा सारी की सारी फिल्ड लाइन जो है वो इसमें से पास हो रही है तो ऐसा नहीं है ये गलत है द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट इज कॉन्स्टेंट ओवर द सर्फेस द कंपोनेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सर्फेस देखो फ्लैट सरफेस जो है ठीक है इस फ्लैट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस इसका मतलब यह हुआ कि फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कांस्टेंट है ये तो गलत है देखो कैसे यहां पे अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो कॉम्पोनेट है यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो कॉम्पोनेंट है

है, R और है R, तो बेस मतलब मतलब, है तो आर की वैल्यू अलग होगी यहां पे आर की वैल्यू अलग होगी यहां पे आर की वैल्यू अलग, अलग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल जो कंपोनेंट है ना वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा तो यहां पर ये भी क्या हो गया इनकरेक्ट ये कह सेम है जो कि नहीं है ये गलत हो जाएगा ठीक है फोर्थ ऑफ द फ्लैट इज एन शियल क्या ऐसा है सरकम फ्रेंस की बात करें ये वाल लाइन है और इस पूरी लाइन की इससे डिस्टेंस फिक्स है है ना और ये डिस्टेंस कितनी है ये अगर हम डिस्टेंस अगर देखें तो डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो यहां से डिस्टेंस कितनी है ये कैपिटल आर है ये कैपिटल आर तो ये रूट टू आर है डिस्टेंस तो सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस है चार्ज से वो रूट टू आर है स्टार से जो डिस्टेंस है ये बराबर बराबर है तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है आर होता है और की वाली रूट टू आर के बराबर है जो कि सेकंड एंड थर्ड इसके इनकरेक्ट हो जाएंगे ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था नेक्स्ट क्वेश्चन आइए two men are walking along a horizontal straight line in the same direction the man in front walks at a speed of 1 meter per second and the man behind walks at speed 2 meter per second chalo isko sath sath draw kar leta hu main to do person hai yahan par फ्रंट वाले की स्पीड है वन मीटर पर सेकंड और पीछे वाले की स्पीड है टू मीटर पर सेकंड ओके A third man is standing at a height of 12 meter above the same horizontal line such that the all three uh, men are in vertical plane. तो so, एक बंदा जो है 12 meter height पर है तो ताकि ये एक same plane पे रहे चलिए देखते हैं आगे The two walking men are blowing identical whistles which emits a sound of frequency 1430 30 hertz. तो so, frequency हमें यहाँ पे given है frequency को मैं लिख देता हूँ इतनी frequency का sound है और दोनों की identical है frequency right? तो ये कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड तो वी की वैल्यू 330 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है एट द इंस्टेंट व्हेन द मूविंग मैन आर 10 मीटर अपार्ट ओके तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो चुकी है 10 मीटर ये 10 मीटर लिख देते हैं अपन द स्टेशनरी मैन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देम ओके तो स्टेशनरी मैन कहीं ना कहीं यहां पे और ये इक्वी डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर हो गई है और ये पक्का हाइट अपन को दे ही रखी है बारह मीटर पहले से इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस जो है वो फाइव मीटर हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस भी फाइव मीटर तो यह ये बारह ये फाइव ये राइट एंगल ट्रैंगल बन गया तो ये थर्टी मीटर हो जाएगा और ये वाला भी थर्टी मीटर हो जाएगा ठीक है ओके द द ऑफ बीट्स इन हर्ड बाय स्टेशनरी मैन एट दिस इंस्टेंट इज तो हमसे यहां पर बीट फ्रीक्वेंसी पूछा है बीट फ्रीक्वेंसी अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ये थर्टीन है यहां पे ये वाला एंगल थीटा थीटाज्यूम कर लिया मैंने और सेम एंगल ये भी थीटा होगा बट ये दूर जा रहा है तो ये जो है इसको अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को ठीक है अप्रोच कर रहा है तो इस केस में इसको कितनी ब्रैकेट वी अपॉन वी माइनस क्योंकि अप्रोच कर रहा है तो माइनस आएगा माइनस इसकी स्पीड टू है तो टू और इसको लिख सकता हूं थीटा ठीक है इसका इस तरफ आ जाएगा एंड सिमिलरली ये जो मैन है ये इससे दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी अपर फ्रीक्वेंसी तो एफ टू बराबर एफ नॉट यहाँ पर क्या आएगा वी अपॉन वी अब ये यह देखो यहां से अगर मैं इसका इस तरफ कंपोनेंट लूँगी ये भी थीटा ये भी थीटा आएगा तो वन कॉस्ट थीटा हो जाएगा यहां पर तो वी प्लस वन कॉस्ट थीटा ठीक है यहां पर वी की वैल्यू आपको थ्री थर्टी दे रखी है वो वैल्यू यहां रख सकते हैं अपन तो बीट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो आ जाएगा एफ वन माइनस एफ टू तो यहां पर एफ नॉट वी कॉमन आ जाएगा और यहां पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू बताएगी v माइनस टू थीटा यहाँ पर और यहाँ पे माइनस वन अपॉन वी प्लस कॉस् थीटा ठीक है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपनस विच इज फाइव बाई थर्टीन तो थीटा की वैल्यू फाइव बाई थर्टीन दोनों साइड रख सकते हैं अपन v की वैल्यू थ्री थर्टी है और f नोट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है फोर्टीन थर्टी मीटर पर सेकेंड फोर्टीन थर्टी हर्ज है राइट right. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी फाइव

इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में दे रखा है तो चार्ज डेंसिटी है और इन्फाइन लाइन चार्ज है तो अगर आपको इस नॉन कंडक्टिंगल शेल से यह पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा तो सीधी सी बात आपको चार्ज निकालना पड़ेगा इसके अंदर और अगर हम चार्ज की बात करें बेटा तो ये लेंथ आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि चार्ज डेंसिटी लैमडा है और ये डिस्टेंस देखो ये आर है ये भी आर के इक्वल है ये भी रेडियस है ये वन ट्वेंटी डिग्री है तो ये आर ये आर ये वन ट्वेंटी डिग्री है तो इसको अगर परपेंडिकुलर बायसेक्टर अगर अपन ड्रो करें तो ये सिक्सटी आ जाएगा तो ये आर है तो ये आर साइन सिक्सटी आर साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू आर हो जाएगा और ये भी आर साइन सिक्सटी मतलब रूट थ्री बाई टू आर हो जाएगा तो टोटल जो लेंथ है ये वाली ये आ जाएगी रूट थ्री आर

the length of the air column is varied by changing the level of water in the resonance tube the two successive resonances are heard at air columns of length 50.7 cm अच्छा हिंदी में लिखा हुआ है 83.9 cm ठीक है सक्सेसिव रेजोनेंस जो है वो 50.7 एंड 83.9 सेंटीमीटर पर हमें सुनाई देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है ठीक है तो ये क्लोज्ड ओपन पाइप है तो क्लॉज ऑर्गन पाइप में रेजोनेंस ट्यूब के अंदर हमें अच्छे से मालूम है कि जो रेजोनेंस जो हमें मिलता है वो या तो लेमडा बाई फोर पर थ्री लेमडा बाई फोर पर फाइव लेमडा बाई फोर फोर पर इस ऑर्डर में हमें रेजोनेंस मिलता है अब ये नहीं मालूम कि ये फिफ्टी पॉइंट सेवन जो है ये फंडामेंटल मोड है कि नहीं है राइट मतलब लेमडा बाई फोर वाला है या थ्री लेमडा बाई फोर वाला लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये ऑड नंबर पर होंगे वन थ्री फाइव सेवन तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि ये है पी लैमडा बाई फोर वाला ठीक है पी की वैल्यू वन थ्री फाइव वगैरह होगा और ये वैल्यू जो है वो रेजोनेंस ट्यूब की जो लेंथ है वो एल वन और एंड डायरे करेक्शन को मैंने ई कंसिडर कर लिया ठीक है तो इसके इक्वल हो जाएगा ये और इसका जो नेक्स्ट जो अगला होगा वो डेफिनेटली पी प्लस टू होना चाहिए फिर क्योंकि वन अगर है तो वो थ्री होगा अगला फाइव है तो अगला सेवन होगा पी प्लस टू लैमडा बाई फोर इक्वल टू एल टू प्लस ई के इक्वल होगा करेक्ट अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें हम तो पी लेमडा बाई फोर यहाँ से हट जाएगा केवल टू लेमडा बाई फोर बचेगा मतलब लेमडा बाई टू बचेगा यहाँ पर सो लेमडा बाई टू इज इक्वल टू यहाँ बचेगा एल टू माइनस एल वन और ई e यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है तो ये वाली वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर तो एल टू जो है वो एटी थ्री पॉइंट नाइन है और एल वन फिफ्टी पॉइंट सेवन है ठीक है इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पर तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास नाइन माइनस सेवन टू पॉइंट ये थ्री और एट माइनस फाइव ये थ्री थर्टी थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर में है ये तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से कितनी आई टू से मल्टीप्लाई कर दें तो सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर तो वेवलेंथ जो है वो सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर है जो कि थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है बेटा हमें थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आ, स्पीड ऑफ साउंड की अगर हम बात करें वी की बात करें तो वी बराबर एफ लेमडा है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ये पूछा है स्पीड की वैल्यू क्या है तो एफ़ इंटू लेमडा एफ जो है वो फाइव हंड्रेड हर्ट है और इन टू में लैमडा सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर है ये सेंटीमीटर में है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हंड्रेड से डिवाइड कर दें जीरो जीरो ये कैंसिल आउट हो गया फाइव से मल्टीप्लाई करें तो ये ट्वेंटी टू एंड थर्टी टू दैन थ्री दैन थर्टी थ्री राइट तो थर्टी आ, थ्री हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट जीरो मतलब थर्टी टू आ, थ्री हंड्रेड थर्टी टू मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ जाएगी वेव की है ना तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट है एंड एड करेक्शन के बारे में भी पूछा है और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द रेजोनेस एट 50.7 पॉइंट सेवन सेंटीमीटर क्रॉस पॉइंट टू द फंडामेंटल हारमोनिक राइट तो कि ये फंडामेंटल हारमोनिक है अगर फंडामेंटल होगा तो 50.7 वाला जो पार्ट है वो लैमडा बाई फोर के ऑलमोस्ट इक्वल होगा एंड एंड्रैक्शन जो है वो हल्का फुल्का प्लस माइनस हो सकता है लेकिन ये ऑलमोस्ट फिफ्टी के बराबर होना चाहिए हालांकि यहाँ पे नजर आ रहा है सिक्सटी सेंटीमीटर लेमडा की वैल्यू है तो अगर मैं लेमडा बाय फोर करूँ तो लेमडा बाई फोर करने से हमारे पास वैल्यू कितनी आती है चलिए देखते हैं चलो यहीं लिख देता हूं मैं इसको लेमडा बाई फोर तो लेमडा की वैल्यू है .4 4 और टू में मैंने पी कर दिया ठीक है पी लेमडा बाई फोर की वैल्यू देखते हैं और ये एलवन प्लस ई e के बराबर होना चाहिए मतलब फिफ्टी पॉइंट सेवन प्लस ई e के इक्वल होना चाहिए राइट इससे अगर हम कट करें इसको तो ये वैल्यू कितनी आएगी ये वन एंड देन ठीक uh, है ठीक है तो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स के अराउंड ये वैल्यू आ रही है ठीक है इसको ओके फोर तो से अगर कट करेंगे तो फोर वन टू तो फोर आ जाएगा नहीं सिक्स ठीक है देन सिक्सटी सिक्स पॉइंट ठीक है सिक्सटीन पॉइंट सिक्स के बराबर ये वैल्यू आ चुकी है इन टू में पी बराबर फिफ्टी पॉइंट सेवन प्लस ई अब इसको देखना पड़ेगा अगर पी की वैल्यू अगर अपन वन रखें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है टू होगा नहीं थ्री होगा पी फिर फाइव होगा तो अगर मैं थ्री रखूँ यहाँ पर ठीक है तो फंडामेंटल तो है नहीं इसका मतलब ये तो गलत हो गया फोर्थ वाला ठीक है एंड करेक्शन की अगर हम बात करें तो अगर मैं पी की वैल्यू थ्री रख दूँ यहाँ पर तो थ्री से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो सिक्स इंटू थ्री मतलब एटीन वन और ये हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर्टी नाइन पॉइंट एट है ना तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी नाइन पॉइंट एट इक्वल टू फिफ्टी पॉइंट सेवन प्लस ई और इसको अगर हम सब्टेक्ट करें यहाँ पर तो ई e की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर फिफ्टी पॉइंट सेवन माइनस फोर्टी नाइन पॉइंट एट सेवेंटीन माइनस मतलब पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट नाइन सेंटीमीटर माइनस में आ रहा है सेंटीमीटर में तो एंड अडर करेक्शन जो है माइनस का जीरो पॉइंट नाइन सेंटीमीटर आ रहा है लेकिन ये ऑप्शन के अंदर कितना दे रखा है प्लस का जीरो पॉइंट नाइन सेंटीमीटर इसका मतलब ये भी इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है ओके तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पार्टिकल ऑफ मास मास गोजन है इज इनिशियलीरोगा e की इफेक्ट ऑफ ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल द मैक्म स्पीड इन इन मीटर पर सेकंड अटेंड बाई दार्टिकल एट सबसिक्वेंट टाइम्स इज ठीक है, है so the particle, the in, in second, अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स लगता है इनिशियली वो रेस्ट में है ठीक है तो वो एक्सलेट होगा जब तक एक्सलरेशन पॉजिटिव है तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी ठीक है जब एक्सेलेशन की वैल्यू जीरो होगी तो उसके इसमें स्पीड मैक्सिमम होगी और जैसे ही एक्सेलेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी इसका मतलब हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है यहाँ पर तो हमें एक्सेलेशन कहाँ से कहाँ तक ले जाना है मतलब जब तक एक्सलेशन जीरो नहीं हो जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा क्यू इंटू e हो जाएगा और ई e की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो ये फोर्स है और फोर्स में एम को डिवाइड कर दो तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा और एक्सेलरेशन जो है वो डी वी बाई डी टी इक्वल हो जाएगा ठीक है देन यर डी वी इज इक्वल टू क्यू ई नॉट बाय एम साइन ओमेगा टी एंड देन डी टी अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी जीरो थी ठीक है तो हमें एक्सेलेशन कब तक रखना है एक्सेलेशन जब तक जीरो नहीं हो जाए हम अच्छे से जानते हैं कि टी की वैल्यू जब पाई बाय ओमेगा हो जाएगी तब अगेन साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो मतलब पाई बाय ओमेगा तक हमें इसको लेके जाना है और उसके इसमें वी की वैल्यू मैक्स होगी ओके तो यहाँ से अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी का वी हो जाएगा उस तरफ एंड राइट हैंड साइड देखें तो क्यू ई नोट बाय एम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस का कोस होता है और ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा कोस ओमेगा टी आ जाएगा अपर लिमिट पाई बाय ओमेगा तो कोस पाई आएगा कोस पाई की वैल्यू माइनस वन लोअर लिमिट जीरो तो कोस जीरो तो यहाँ पर माइनस का टू आ जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हुआ वेलोसिटी इज इक्वल टू टू क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा ओके अब ये वैल्यू रख देते हैं अपन चार्ज की वैल्यू कितनी है वन गुलाम है तो ये वाली वैल्यू वन हो जाएगी ये टू इन टू में वन ई नॉट की वैल्यू ई नोट की वैल्यू भी वन है एसआई SI के अंदर वन मास एम की बात करें एम की वैल्यू टेंट दी पावर माइनस थ्री है और ओमेगा ओमेगा टेंट दी पावर 3 रेड पर सेकेंड तो ये सिकट गया और ये वैल्यू कितनी आगे टू कि के इक्वल आ गए तो स्पीड जो है वो टू मीटर पर सेकंड के इक्वल हो जाएगी ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो कॉलम का है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट पॉइंट पी मतलब D जो पॉइंट है वो एक्सिस पर है जनरेटेड ड्यू टू वेरियस चार्ज एंड द डिपेंडेंसी ऑफ ई ऑन इज फाउंड टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट वन कंटेंट डिफरेंट रिलेशन बिटवीन ई एंड डी लिस्ट टू डिस्क्राइब्स डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन

सेकेंड देखते हैं स्मॉल डाइपोल विद पॉइंट चार्जेस क्यू एट ज़ीरो ज़ीरो एल एंड माइनस क्यू एट ज़ीरो ज़ीरो माइनस एल एंड ये लेंथ एल है है ना टू एल इज वेरी वेरी लेस देन टी तो मतलब डायपोल काफ़ी स्मॉल है और डायपोल को रखा कैसे है उसको अगले बार देख लें अपन ई जेड एक्सेस मैंने कंसिडर कर लिया तो डायपोल में जो चार्ज रखा है वो वो भी जेड एक्सेस पे रखा है ठीक है तो एक तो एल पे रखा है आपने ठीक है यहाँ पर रखा है चार्ज और एक माइनस एल पे रखा है ठीक है ये क्यू है और ये माइनस क्यू है इस तरफ क्यू इस तरफ माइनस क्यू और ये डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल है और जेड एक्सिस पे ही हमें फील्ड फाइंड करना है यहाँ पर तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग होगी और ये डायपोल बन जाएगा डायपोल मोमेंट जो उसकी डायरेक्शन देखा जाए तो वो इसी तरफ आएगी पी वैक्टर की तो पी वैक्टर के अलॉन्ग उसकी एक्सिस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वैल्यू आती है टू के पी अपन आर क्यूब आर क्यूब यहाँ पे आर जो डी के बराबर है तो वन अपॉन डी क्यू के प्रोपोर्शनल होना चाहिए इसका मतलब एस जो है वो डेफिनेटली टू के साथ मैचिंग खाएगा कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी नेक्स्ट देखते हैं अपन एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज कोइंसिडेंट विद द एक्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी जेड एक्सिस ऊपर है तो एक्स एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जेड एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो टू के लेमडा बाई आर के इक्वल होगा और आर जो है वो डी के बराबर है तो वन अपॉन डी के प्रपोशनल होना चाहिए तो क्यू का जो है वो मैचिंग करेगा थर्ड चलिए देखते हैं फोर्थ को देखते हैं टू इनफाइनाइट वायर्स कैरिंग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी पैरल टू द एक्स एक्सिस द वन अलोंग दू जीरो जेड इक्व टू एल ओके हैज चार्ज डेंसिटी लेमडा एंड एंड वन अलोंग वाई हैज चार्ज डेंसिटी माइनस लैमडा टेक टू एल इज वेरी वेरी लेस देन डी ओके तो इसमें भी देखना पड़ेगा चलिए तो इसके लिए लाइन चार्ज जो है वो आ, जो है वो आ, एक्स एक्सिस के जो है वो पैरल है राइट पैरल टू द एक्स एक्सिस ये जेड है और ये ऑरिजन है राइट और ये एक्स एक्सिस है एक को तो हमने रखा है प्लस लैमडा को जेड बराबर एल पर मतलब ये चार्ज लाइन चार्ज है और एक लाइन चार्ज यहाँ पर है इनके बीच का गैप काफ़ी कम है ठीक है ये एल है और ये वाला भी एल है ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर हमें फील्ड फाइंड करना है तो इस वाले लाइन चार्ज के लिए फील्ड इस तरफ होगा और उस फील्ड की वैल्यू आ जाएगी टू के लैमडा अपॉन आर आर हो जाएगा डी माइनस एल क्योंकि ये डी जो है वो ओरिजन से डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस आ जाएगी डी माइनस एल और इसका फील्ड इधर की तरफ होगा और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका फील्ड इस तरफ आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसकी डिस्टेंस डी प्लस एल हो जाएगी तो माइनस टू के लैमडा अपोन में डी प्लस एल एंड एल इज़ वेरी वेरी लेस देन डी राइट इसको सिंपल करें अपन तो यहाँ से आ जाएगा टू के लैमडा और कॉमन uh, आ जाएगा और नीचे डिवाइड में आ जाएगा डी स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर और ऊपर वाला पार्ट अगर देखें तो डी प्लस एल डी प्लस एल माइनस डी माइनस माइनस प्लस एल राइट right. तो ऊपर अगर हम देखें तो डी प्लस एल माइनस डी माइनस माइनस प्लस एल डी से डी यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा तो केवल एल बचेगा ऊपर तो टू एल आ जाएगा राइट तो यहां पर इसको रब कर दें हम तो यहां से ये यह वैल्यू आ जाएगी और जो एल है वो काफी स्मॉल है तो इसको डी के कम्परेटिवली हम स्मॉल अज्यूम कर सकते हैं तो टू के लेमडा यहां जाएगा टू एल तो ये फोर हो जाएगा फोर के लैमडा एल और अपॉन में ये ऑलमोस्ट ये डी स्क्र आ गया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वाले केस में, के केस में में फोर्थ के तो आर का ये वाला भी मैच करना को देखेंट प्लेन चार्ज कोई प्लेन विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर कांस्टेंट एक्स वाई प्लेन और जेड उसके परपेंडिकुलर तो हमें अच्छे से पता है इनफाइनेट प्लेन है तो जो फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है सिगमा बाई टू के बराबर वैल्यू आती है तो ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी इसका डी का फिफ्थ हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखें तो पी का फाइव है यस फर्स्ट ऑप्शन में बात करें क्यू का जो है थर्ड एंड फोर्थ ना केवल थर्ड रहेगा तो इसका मतलब ये गलत है सेकेंड ऑप्शन की बात करें पी का फाइव है येस yes, ठीक है क्यू का थर्ड है ये भी ठीक है आर का वन एंड फोर वन एंड फोर ये भी मैच कर रहा है और एस का टू एस का टू ये भी मैच कर रहा है इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ये भी आ, मैचिंग करवानी है इसमें भी ए प्लेन ऑफ प्ले, ए प्लेनेट ऑफ मास कैपिटल रेडाई ऑफ देयर सर्कुलर ऑर्बिट्स आर आर वन आर टू दो सैटेलाइट हैं एक प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं दोनों का मासन है एम वन एम टू तो यहां पर मैं लिस्ट लिख देता हूँ तो मास एम वन दूसरे का मास है एम टू ठीक है रडाई ऑफ देयर सर्कुलर ऑर्बिट्स का आर टू है ओके इग्नोर द ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है डिफाइन वी वन एल वन केन टी वन टू बी रेस्पेक्ट दर्बिटल स्पीड एंग्लो मोमेंटम कानेटिक एनर्जी एंड द टाइम पीरियड ऑफ रेवल इसका मतलब वी वन एल वन एंग्लो मोमेंटम है पहले वाले सैटेलाइट का एनर्जी के वन है और टाइम ऑफ रेवोल्यूशन जो टी वन है एंड सिमिलरली v2 l2 k2 t2 ये भी अपन को दे रखा है v2 l2 k2 एंड t2 ये भी सारी चीजें सैटेलाइट 2 के लिए भी दे रखी है और m1 m2 जो है आपको दे रखा है यहां पर के इक्वल एंड r1 r2 जो है वो आपको दे रखा है 1 4 के इक्वल ओके चलिए तो अब मिलान करते हैं सबसे पहला पूछा है v1 v2 किसके बराबर होना चाहिए v1 v2 v1 और v2 जो ऑर्बिटल स्पीड है और ऑर्बिटल स्पीड होती है अंडरूड जीएम बाई आर तो एम तो प्लेनेट का मास है मतलब के लिए अगर हम बात करें तो वी वन बाई है में आर टू आर वन हो जाएगा, और आर वन बाईन सीधी सी बात है टू रेशन हो जाएगा तो पी का जो है वो यहां पर पूरी तरह से मैच कर रहा है मैच करवा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट है एल वन और एल टू एल होता है एंगुलर मोमेंटम एम वी आर है राइट एम वी आर और वी जो है रूट आर के इनवर्सली uh, प्रोपोर्शनल है सीधी सी बात है तो ये डिवाइड में आएगा तो ये under root R यहां पे साइड में आ जाएगा तो एल जो है वो एम इंटू रूट आर के प्रोपोर्शनल है तो अगर इन दोनों का रेशियो लेंगे तो एम वन बाय टू तो टू तो है तो ये टू आ गया और आर भी जो रेशियो देखा जाए तो वन बाय फोर है तो वन बाय फोर मतलब वन बाय फोर का टू है तो टू से टू कट गया तो ये वन आ जाएगा इसका मतलब एल वन और एल टू की बात करें तो वो एग्जेक्टली exactly, uh, जो है वन के बराबर आ जाएगा वन और के टू की बात करें अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो हाफ एम वी स्क्वे से भी आप रिलेट कर सकते हो चाहो तो ऑर्बिटल स्पीड वैसे ही पता है अपन को तो हाफ एम वी स्क् वी जो है वो वन अपॉन रूट आर के प्रोपोर्शनल है तो वी सीधी सी बात है आर डिवाइड में आ जाएगा तो एम बाय आर के तो एम वन और एम टू का तो जो रेशियो वो टू है ठीक है और आर की अगर हम बात करें तो आर वन बाय आर टू मतलब फोर बाय वन हो जाएगा फोर रेशो वन राइट आर वन बाई आर टू अगर देखा जाए तो यहां पर क्योंकि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो फोर तो फोर इंटू टू एट इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशियो भैया एट आ जाएगा नेक्स्ट है टाइम टाइम पीरियड टाइम ऑफ रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो टी जो है वो टू पाई आर बाई वी के इक्वल होता है मतलब आर बाई वी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा और वी जो है वन अपॉन रूट आर है तो मतलब आर की पावर वन बाई टू ऊपर चला जाएगा तो आर की पावर थ्री बाई टू हो जाएगा तो आर की पावर थ्री बाय टू सीधी सी बात है वन बाय फोर है वन बाई फोर का अगर मैं थ्री बाई टू अगर लूँ तो वन बाय फोर की पावर थ्री बाई टू राइट तो ये आ जाएगा वन बाई एट तो यहाँ पर वन बाई एट एस का फर्स्ट हो जाएगा तो अगर हम इसको मैचिंग करें तो पी का थर्ड आना चाहिए पी का थर्ड अगर हम देखें तो केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है सेकेंड में पी का थर्ड क्यू का सेकंड, एग्जैक्टली सेकंड आ रहा है आर का फोर्थ भी आ रहा है और एस का वन आ रहा है तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा ओके okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें ओके तो का जो है ट्वेल्थ नंबर जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है बेसिक है बट थिन स्पेरिकल इंसुलेटिंग शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सच दैट द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज बी नॉट ए होल विद स्मॉल एरिया एल्फा फोर पाई आर स्क्र इज वेरी वेरी लेस देन वन इज मेड ऑन द शेल विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द शेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पूछा है सेंटर पर किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पोटेंशियल पूछा है राइट right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी नोट की टर्म्स में पहले चार्ज डेंसिटी मैं कंसीडर करूँगा और फिर चार्ज डेंसिटी को वीनोट से रिलेट करूंगा ठीक है जब ये कंप्लीटली यूनिफॉर्मली चार्ज था उसके लिए तो मैं यहाँ पर यह शेल कंसिडर कर लेता हूँ इस शेल पर चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा कंसिडर कर ली और इसकी रेडियस है कैपिटल आर ठीक है तो इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो वी नॉट है और वी नॉट हम अच्छे से जानते हैं के क्यू बाय आर के इक्वल होगा और क्यू जो है वो सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वेर के इक्वल होगा और अपॉन में के मतलब फोर पाई एप्सेल नोट आ जाएगा और डिवाइड में आर आ जाएगा यहाँ से तो ये हमारे पास फोर पाई से फोर पाई कैंसिल आउट हो गया आर से आर कैंसिल आउट हो गया सो हियर वी नॉट इज सिग्मा आर बाय एप्सल नोट तो सिग्मा आर बाय एप्सल नॉट की वैल्यू वी नोट की इक्वल है हमारे पास तो यहाँ से अपन सिग्मा बाय एप्स नोट की जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं वी नोट बाय बायर तो जहां पर भी सिग्मा बाय बायसलोट की जरूरत पड़ेगी वहां नोट बाय वीनोट अपन रख सकते हैं ओके okay? चलिए तो हमने एक स्मॉल होल कर दिया यहां पर और उसका जो एरिया है एल्फा पाई फोर पाई आर स्क्वायर है छोटा सा वो चार्ज की तरह उसको ट्रीट कर लेंगे अपन उसको तो अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता था ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड द सेंटर ऑन ए डिस्टेंस टू आर सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल विल बी रिड्यूस्ड बाय अच्छा इस फैक्टर से मतलब इस वैल्यू से कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये कह रहा है अच्छा अगर शेल के सेंटर से टू आर डिस्टेंस पे अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एक तो कंप्लीट गोले के कारण होगा और जो पार्ट आपने यहां पे हटाया है यहां से है ना तो उसको आपको इसमें से रिड्यूस करना पड़ेगा सीधी सी बात है तो ये कह रहा है कितने से रिड्यूस होगा सीधी सी बात है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस छोटे से एलिमेंट का यहां पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको हटाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा रिड्यूस करना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके बराबर आ जाएगा इसका मतलब ये सही हो जाएगा ऑप्शन तो चेक करते हैं इस पार्ट पर चार्ज कितना आएगा ये छोटा सा एलिमेंट है इस पार्ट का चार्ज कितना आएगा चार्ज आएगा एंड इज सिग्मा इन एरिया एंड एरिया ऑफ दिस एलिमेंट इज एल्फा फोर पाई आर ये इसका चार्ज आ गया और यहां से डिस्टेंस कितनी है इसकी आर के इक्वल है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस पॉइंट पे कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू बाई आर स्क्वेयर डी क्यू बाय आर स्क्वेर तो के वैल्यू मैं रख देता हूं डायरेक्ट के मतलब आ रही है तो आर स्क्त आ जाएगा और ऊपर क्यू आएगा चार्ज चार्ज की वैल्यू सिंट राइट आर स्क स्क्र ये कैंसिल आउट हो गया फोर पाई से फोर पाई कैंसिल आउट हो गया तो सिग्मा एल्फा आया और सिग्मा बाई एल नोट वी नोट बाई आर है तो वी नोट बाई आर का मैं यहां रखू वी नोट एल्फा बाय Sorry, तो 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 हट जाएगा, जाएगा, जाएगा. है, है, है है, हो हो लेकिन ये ये लिखा हुआ इसका इसका, मतलब ये option incorrect हो जाएगा. तो second, जो वो वो सही नहीं है. ठीक है? तो वो हमारे लिए यहां पर क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया तो ये गलत हो गया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय टू अल्फा वी नॉट क्या पोटेंशियल में कुछ चेंज आएगा ये yes, चेंज जरूर आएगा

बाय कट जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आई यहां पर ये आ गई एल्फा वी नोट तो इतने से रिड्यूस हो जाएगा बट ये टू एल्फा वी नोट बोल रहा है इसका मतलब ये भी इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है राइट तो इसको अब अपन रब कर देते हैं नेक्स्ट देखते हैं चलो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना चेंज आएगा कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंप्लीटली शेल की बात करें तो जीरो होगा ठीक है तो इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा तो उस एलिमेंट का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल के देख लेते हैं डिस्टेंस तो आ रही है

इस होल की तरफ अगर, अगर आर बाई टू डिस्टेंस पर चलेंगे यहां पर तो यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा यहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है पहली बात तो यहां पर पोटेंशियल निकालना है तो सीधी सी बात है कंप्लीट शेल का पोटेंशियल तो वी नोट ही रहेगा क्योंकि जो वही अंदर होगा और इसका पोटेंशियल यहां में से सब्रेक्ट कर देना अपन को तो रिमेनिंग पार्ट का यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा वी नॉट माइनस इस वाले का यहां पर पोटेंशियल अब इस वाले का पोटेंशियल यहां कितना आएगा अगेन वही सेम अप्रोच के डी क्यू बाई आर तो के मतलब डिस्टेंस कितनी है आर बाई टू है तो वहां से आर बाई टू रखना है आर बाई टू टू ऊपर चला जाएगा और ऊपर कितना आ गया सिग्मा एल्फा फोर पाई आर स्क्वायर तो ये फोर पाई आर यहां से कैंसिल आउट हो गया फोर पाई आर और ये यहां पर जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट जो है उसकी वैल्यू रख सकता हूँ वी नोट बाय आर वी नोट बाय आर रखूंगा एक आर कट जाएगा तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई टू एल्फा वी नोट आ गया देखो यहां से टू एल्फा वी नोट आया तो ये वाली वैल्यू यहां रख दूंगा तो टू एल्फा वी नोट जब आप इसको डिवाइड करोगे क्योंकि रेशियो पूछा है इसमें तो कट जाएगा तो तो में में इसका 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 मतलब फोर्थ फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन है है करेक्ट 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 ये सिंगल uh, था ठीक तो हो जाएगा बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हाँ बेटा जी क्वेश्चन नंबर आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर मास इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द कॉमन सेंटर विद द सेम काटिक एनर्जी के द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स इज देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स इफ रो आर इज द कॉन्स्टेंट इन टाइम द पार्टिकल नंबर डेंसिटी एन आर इज इक्वल टू रो आर बाय एम इज जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट गैस इज क्लाउड है स्पेरिकल और उसमें पार्टिकल्स छोटे छोटे जिनका मास जो है मतलब प्रत्येक कण का जो द्रव्यमान है वो स्मोलैम है ना मास स्मोलम है और सब के सब सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ रिवोल्व कर रहे हैं और वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में तो हमें मेनली इसमें डेंसिटी निकालने है की आ, सेंटर से आ, जो है आर डिस्टेंस पर डेंसिटी किस तरीके से वैरी कर रही है और उसके बाद हम नंबर डेंसिटी रो आर बाई एम है एम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर डेंसिटी आ जाएगी ओके तो इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्लाउड है इस क्लाउड के अंदर पार्टिकल्स है बहुत सारे इसके अंदर एक पार्टिकल मैंने कंसीडर कर लिया एम मास का ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ के पाथ के अंदर रिवोल्व कर रहा है है ना और इसकी जो डिस्टेंस है स्मॉल आर है और इसकी काइनेटिक एनर्जी के है तो काइनेटिक एनर्जी अगर के है तो मैं के को लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वेयर जो कि कॉन्स्टेंट रहेगा है, है ना काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी और इस जो सर्कल जो आपको नजर आ रहा है जो स्फीयर आपको नजर आ रहा है इसके बाहर जो आउटर जो सरफेस है उसके कारण यहां पर फील्ड कितना है जीरो है ठीक है तो आउटर का जो है वो इस पॉइंट पर फील्ड जीरो होगा अंदर वाला जो स्फीयर स्वीयर आपको नजर आ रहा है स्फेरिकल क्लाउड है स्फीयर के कारण इस पॉइंट पर फील्ड जो है वो ई अगर मैं कंसीडर करूं तो इस पर ग्रेविटेशन फील्ड के कारण फोर्स टुवर्ड सेंटर लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी एम इन टू फोर्स आ गया और बराबर एम वी स्क्वे बायर सेंटीपेटल फोर्स के इक्वल होगा एम वी स्क्र बायर तो यहां से ये एम से एम कैंसल आउट हो गया वी स्क्वेयर की वैल्यू यहां से आ जाएगी टू के बाय तो ये टू के बाय अपन यहां रख देंगे टू के बाय और आर भी डिवाइड में है इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो रेडियल डिस्टेंस आर के साथ कुछ इस रिलेशन के साथ वेरी करेगा मतलब आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ई e की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी ठीक है यहां तक ये हमें क्लियर हो चुका है अब हम इसमें रो आर की वैल्यू फाइंड करेंगे रो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ठीक है तो चलिए ब्लैंक पेज पे चलते हैं ओके तो ई e की वैल्यू रेडियली वैरी कर रही है यहाँ पे, राइट तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं ठीक है तो एक अगर सिंपल मेथड अगर यूज़ करें अपन तो उसे भी सॉल्व किया जा सकता है ये आसानी से तो जैसे सिंपल मेथड मैं यहाँ पे यूज़ करूँ क्योंकि जो रिलेशन अपन को दे रखा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो आर के साथ कुछ जो रिलेशन है आर के साथ अगर रिलेशन देखा जाए तो इसमें वन अपॉन आर स्क्वेयर है इसमें वन अपन आर स्क्वेयर मतलब आर के साथ जो है ये क्लियरली नजर आ रहा है जो डेंसिटी है डेंसिटी वो आर स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी है ना तो ये तो यहाँ पे ऑप्शन में नजर आ रहा है अपन को तो ऑप्शन का अपन फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं कि जो डेंसिटी है राइट कि जो डेंसिटी है वो आर के साथ जो है आर स्क्वेयर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनली वेरी कर रही है बेटा तो मुझे सपोज यहां पर यह आर डिस्टेंस है और यहां पर मैंने एक शेल कंसीडर कर लिया ठीक है और ये डिस्टेंस मैं यहां से यहां तक सपोज आर डैश एज्यूम कर लेता हूँ तो जो डेंसिटी है यहां पर रो है ना रो जो है वो एक कॉफिशियंट मैं के लेट कर लेता हूँ हालांकि यहाँ के काइनेटिक एनर्जी है तो मैं एल्फा लेट कर लेता हूँ यहाँ पे कॉफिशियंट अपॉन आर डे स्क्र के साथ वेरी करेगा मतलब जैसे जैसे आर डैश वेरी इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो तो डेंसिटी है वो चेंज हो रही है सभी ऑप्शन में आर स्क्वेयर आ रहा था तो आर की बजाय मैंने आर डैश लिख दिया ये शेल के लिए इस शेल का यहाँ पर फील्ड कितना आएगा वो फील्ड मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ ईजिली ठीक है इस शेल का जो मास है वो कितना आएगा डी एम इज इक्वल टू रो इंटू डी वी और रो जो है वो अपने पास है अपॉन आर डे स्क् और इसका जो डी है जो वॉल्यूम आएगा इस शेल का ठीक है इस थीन शेल का वो आ जाएगा फोर पाई आरडे स्क्र इन टू डी आर डैश ठीक है ये इसका वॉल्यूम आ चुका है आर डे स्क्स स्क् कैंसिल आउट हो गया सो ये डी एम इज इक्वल टू एल्फा फोर पाई डी आर डैश ये इसका मास आ गया अब इस शेल का यहां पर आर डिस्टेंस पर जो फील्ड है वो कितना होना चाहिए क्योंकि आर तो मैंने फिक्स ले ली है डिस्टेंस तो यहां पर इस शेल का जो फील्ड है वो आ जाएगा डीई इज इक्वल टू जी डीएम बाय आर जी की वैल्यू हमारे पास स्कूल फोर पाई फोर पाई आर स्क राइट तो आर डैश uh, जो है डीएम की वैल्यू आर सॉरी फोर पाई डी आर डैश है ये फोर पाई डी आर डैश ठीक है तो जी एंड uh, डीएम की वैल्यू अल्फा फोर पाई डी आर डैश अपॉन आर स्क्वायर ये ई e की वैल्यू यहां पे आ चुकी है राइट एंड देन फिर अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो टू टू स्मॉल आर तक तो जीरो टू स्मॉल आर तक अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ई e की वैल्यू यहां से कितनी आई जी अल्फा फोर पाई अपॉन आर स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा डी आर डैश का सिंपली आर हो जाएगा यहां पर तो डी आर डैश का सिंपली आर हो जाएगा इंटीग्रेशन तो आर से आर ये कैंसिल आउट हो गया तो e ई की वैल्यू आई जी अल्फा फोर पाई अपन आर ठीक है जी अल्फा फोर पाई अपन आर और अल्फा की वैल्यू हमें पता नहीं है क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो ये वैल्यू वहां रख दूंगा मैं तो जी अल्फा फोर पाई अपॉन आर राइट और ई e की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आई टू के बाई एम आर टू के बाय एम आर ये हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है तो यहां से ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया आर से आर कैंसिल आउट हो गया तो यहां से एल्फा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है के बाय टू जी पाई राइट और डिवाइड में एम बी आ जाएगा सो यार एल्फा इज इक्वल टू एल्फा इज इक्वल टू के बाई एम के बाई एम और टू एल्फा सॉरी टू जी टू जी और ये एम बी और पाई भी आ गया तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई और रो जो है वो एल्फा बाय आरडे स्वेयर है आरडेस अगर आर हो जाएगा तो यह एल्फा बाई आर स्क्वेयर हो जाएगा इसका मतलब रो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई रो बराबर आ जाएगा एल्फा एल्फा की वैल्यू रख देंगे अपन के बाई टू जी पाई एम और डिवाइड में आर है तो आर स्क्वेयर आ जाएगा ये ये रो की वैल्यू आ गई और हमसे पूछा है नंबर डेंसिटी की बात करी है यहां पर तो एम स्क्र हो जाएगा रो बाय मतलब ये एम स्क्र आ जाएगा तो अब इसको ऑप्शन में देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही होगा यस तो यहां पर इस पार्ट को मैं शिफ्ट कर देता हूं तो डिवाइड में देखा जाए तो टू आना चाहिए तो टू इसमें आ रहा है केवल टू पाई आर स्क्वायर एम स्क्वायर और जी और ऊपर के आ रहा है तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट हो जाएगा तो ये uh, सबसे इजी मेथड था जिसमें ऑप्शन से आइडिया लगा लिया हमने और उससे सॉल्व कर लिया एक और मेथड जिसमें गौसलो की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं हम ए चार्ज शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज ए टोटल चार्ज क्यू गिवन फाइव एज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लॉज सिलेंड्रिकल सर्फेस ऑफ हाइट एच रेडियस एंड विद इट सेंटर सेम ऑफ सेंटर ऑफ द सिलेंडर इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स टॉप एंड बॉटम सर्फेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट एप्सेंट इज दमिटेड ठीक है तो एच की वैल्यू और आर की वैल्यू में दे रखी उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स बताना और फाइव जो है वो सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स है ठीक है तो जैसे इसमें रैंडमली कोई भी मैं सिलेक्ट करूं सपोज मैं सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ सेकेंड एंड फर्स्ट सेम से ही है आ, सेकेंड की बात करें तो सेकंड या फर्स्ट की बात करें एच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एच इज ग्रेटर देन टू आर एच इज ग्रेटर देन और स्मॉल आर जो है रेडियस जो है वो फोर आर बाई फाइव या थ्री आर बाई फाइव है इसका मतलब आर से कम है तो ये जो शेल है इस पर चार्ज टोटल चार्ज क्यू है इस पर पूरे पे, पे डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली और जो सिलेंडर लिया है वो सिलेंडर का सेंटर भी शैल के सेंटर के uh, से कॉन्साइड कर रहा है और यहां पर एच की वैल्यू टू आर से ज्यादा है इसका मतलब सिलेंडर कुछ ऐसा बनेगा राइट right? इस टाइप से बन जाएगा ये और ये स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से कम है ठीक है तो ये तो हो गई रेडियस कैपिटल आर और स्मॉल आर मतलब ये सिलेंडर की रेडियस है ये स्मॉल आर है यहां से यहां तक यहाँ से इसको मिला देते हैं तो ये स्मॉल आर है ठीक है ओके सेम नीचे भी बन जाएगा इस टाइप से अब फ्लक्स पूछा है अपन से तो अगर स्मॉल आर की वैल्यू फोर आर बाई फाइव है तो ये वाला एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हो वो सिंपल है और थ्री आर बाई फाइव है तो भी हमारे पास आ जाएगा तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और इससे जो फील्ड लाइन्स जनरेट होंगी वो फील्ड लाइन्स ऐसे जनरेट होंगी जैसे सेंटर पर कोई चार्ज रखा हो ठीक है सेंटर पर जैसे चार्ज रखा होता है वैसे ही फील होगा ठीक है फील्ड लाइन्स कुछ इस टाइप से जनरेट हो जाएंगी ये जिस सेंटर पे चार्ज रखा हो इस टाइप से तो हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है इस केस में तो फ्लक्स डेफिनेटली इसी पार्ट का होगा देखो ये एक तो इस इस वाली फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग एक इस वाली फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग तो अगर मैं चार्ज सारा चार्ज सेंटर पे ज्यूम कर लूं तो उसका फ्लक्स मुझे निकालना है केवल इस वाले से और एक इस वाले से इस वाले से भी बन जाएगा सेम इस टाइप से तो ये कौन वाला केस हो गया जैसे कौन वाला अभी अभी हमने किया था पहले क्वेश्चन के अंदर ठीक है वही सेम पैटर्न बन गया यहां से तो इसमें कौन की बात करें तो इस कौन से कितना फ्लक्स पास होगा क्यू बाय टू एप्सल नोट वन माइनस थीटा और सेम इधर से भी पास होगा सेम इसका टू टाइम्स कर दो तो से टू कट गया तो फ्लक्स कितना पास होगा क्यू बायसेल नोट वन माइनस है बेस अपन अगर ये आर की वैल्यू फोर आर बाय फाइव है अगर ये फोर आर फाइव है तो पक्का ये थ्री आर बाय फाइव होगा और थ्री आर बाय फाइव होगा तो थीटा क्या होगा

थर्ड कह रहा है इफ एच इज ग्रेटर देन ओके एंड आर इज ग्रेटर देन आर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर मतलब ये जो आर है ना कैपिटल आर से ज्यादा इसका मतलब सिलेंडर ये वाला बनेगा इस केस में और सिलेंडर अगर ये वाला बनेगा तो इसमें से टोटल फ्लक्स जो है वो क्यूबाइल नॉट होगा पूरा जो स्फीयर है वो कवर कर लिया इसने क्यूबा एपसेल थर्ड ऑप्शन भी इसका करेक्ट है फोर्थ कह रहा है इफ एच इज लेस देन एट आर बाई फाइव अच्छा तो एच की वैल्यू एट आर बाई फाइव से कम है और स्मोल आर की वैल्यू थ्री आर बाई थ्री आर बाई बा फाइव है इसका मतलब ये और अगर ये थ्री आर बाई फाइव है तो ये कितना आएगा आर होगा ये वो आर तो ये भी फोर आर बाई फाइव तो ये टोटल हाइट कितनी है सिलेंडर की मतलब एट आर बाई फाइव है और ये कह रहा है कि जो सिलेंडर है उसकी हाइट एट आर बाई फाइव से कम है इसका मतलब ये निकला कि जो सिलेंडर है ये अंदर ही रहेगा शेल के देखो इतना आएगा सिलेंडर अगर शेल के अंदर है तो अंदर तो वैसे भी चार्ज नहीं है तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसका मतलब

both the trains are blowing whistles of same frequency 120 hertz when o is 600 meter away from s2 and distance between s1 and s2 is 800 meter the number of beats heard by o is ठीक है तो ये ऑब्जर्वर ओ है ये वाला एंगल 90 है इसकी फ्रीक्वेंसी भी एफ है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी एफ है ये दोनों ट्रेन हैं तो ऑब्जर्वर जो इस तरफ मूव कर रहा है इसको कितनी बीट फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा मतलब बीट फ्रीक्वेंसी में फाइंड आउट करनी है तो पहला तो यह कि एस टू से डायरेक्ट इसके पास वेव आएगी है ना एस टू से जो वेव आएगी ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी होनी चाहिए डायरेक्ट जो नजर आएगी वो उसको मैं एफ डैश लिख देता हूं तो एफ डैश इक्वस टू एफ ये ऑब्जर्वर है जो कि अप्रोच कर रहा है तो वी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वी प्लस वी नॉट अपॉन वी राइट इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड इसको सुनाई देगा ओको और एक यहां से भी वेव आएगी ठीक है ये वाली जो वेव आएगी उसके लिए हमें एंगल को देखना पड़ेगा अब ये 36 जो मैंने इसको वी नोट लिखा है और इसको मैं आ, वी एस लिख दूंगा ठीक है तो इसका एक तो कंपोनेंट हमको इस तरफ चाहिए इस वाले का भी कंपोनेंट इस तरफ लेना पड़ेगा हमें अब ये वाला अगर एंगल थीटा लूम है तो इसका वी नोट का इस तरफ कॉम्प्रेंट कितना है वी नोट कॉस थीटा और ये वाला नाइनटी माइन थीटा हो जाएगा इसको वी एस लिखूँ तो वी एस आ, ये साइन थीटा हो जाएगा राइट दोनों अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ तो इस केस में कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड हमें सुनाई देगा तो एफ डबल डैश लिख देता हूं तो एफ डैश इक्व एफ एफ डबल टू एफ यह आ जाएगा वी प्लस वी नोट थीटा अपॉन वी ये पास आ रहा है सोर्स वी माइनस वी एस साइन थीटा ओके ये हमारे पास एफ डबल डैश आ गया एफ की वैल्यू बेटा यहां पर अपन को रखनी है वन ट्वेंटी हर्स दोनों साइड वन ट्वेंटी हर्ड वी की वैल्यू थ्री थर्टी थ्री थर्टी सब तरफ रख देंगे अपन वी नॉट की वैल्यू जो है वो थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आ रहा है इसको मीटर पर सेकेंड में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं तो 36 सिक्स इंटू वन थाउजेंड अपन में थर्टी सिक्स हंड्रेड इससे कटेगा इससे कटा तो 10 मीटर पर सेकेंड तो वी नॉट की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड ये रख सकते हैं की हम देखें, तो कॉस्टा कितना देखो ये सिक्स हंड्रेड है ये हंड्रेडिनेटली वन थाउजेंड होगा तो कॉस्टा हो तो की वैल्यू आ जाएगी सिक्स हंड्रेड बाई टेन थाउजेंड मतलब आ, 1, मतलब पॉइंट सिक्स रख सकते हो आप सिक्स बाय टेन अपन रख सकते हैं, हैं यहाँ पर ठीक है सिक्स बाई टेन सिक्स बाय टेन मतलब हो जाएगा थ्री बाय फाइव तो कॉस्टी की वैल्यू थ्री बाय फाइव है साइंथी की वैल्यू फोर बाई फाइव हो जाएगी और वीएस की बात करें वी एस की वन जीरो पर आर अगेन वन थाउजेंड और थर्टी सिक्स हंड्रेड तो ये जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर और यहां से अगर हम कट करें ये थ्री से कट जाएगा राइट तो हाँ थ्री से कट जाएगा ये थ्री थर्टी तो मीटर पर सेकेंड ट्रेन की जो स्पीड है वो थर्टी मीटर पर सेकेंड है तो वी की वैल्यू रख सकते हैं अपन बाकी कैलकुलेशन है और बीट फ्रीक्वेंसी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इस वाले में से इस वाले को सप्टैक्ट कर देंगे अपन तो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो भी ज़्यादा वाला होगा उसमें से कम वाले को सब्टैक्ट कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो वैल्यू यहाँ पे आएगी एट पॉइंट वन थ्री हर्च राइट एट पॉइंट वन थ्री हर्च बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें सुनाई देगी ठीक है तो ये काफ़ी सिंपल है वैसे कैलकुलेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बाकी ईजी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट पी नॉट बाई रूट टू आईके प्लस जेकेज हेल्ड फिक्स एट द ओरिजन ओ इन द प्रजेंस ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट इफ द पोटेंशियल इज कॉन्स्ट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर सेंटर्ड एट द ओरिजन एश ऑन द फिगर देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर ट्रू मोर देन वन के अंदर आइए तो यहां पर एक डायपोल आपको गिवन है और एक सर्कल दे रखा है और ये दे रखा है यहाँ पर कि जो सर्कल है इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है पोटेंशियल अगर सेम है दैट मींस अगर इस पाथ पे अगर अपन मूव करें ठीक है पोटेंशियल अगर यहां पे कांस्टेंट और इस पाथ पर अगर, अगर अपन मूव करें इस सर्कल पर ठीक है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में डी आर वैक्टर में कंसिडर कर सकता हूं तो इन दोनों पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है सिंस डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर राइट यहां पर ई e वैक्टर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डायपोल एंड ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड

<coughs> अगर फील्ड लाइंस भी अगर ड्रॉ करें ना तो फील्ड लाइंस इस सर्कल के परपेंडिकुलर आएंगे जैसे इस पॉइंट पे बात करो तो यू आनी चाहिए इस पॉइंट पर आनी चाहिए हाँ ये कोई जरूरी नहीं है कि फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन फील्ड जरूर एंगल बनाएगा या फील्ड जीरो हो सकता है ये दोनों केस हैं यहां पर ओके तो इन चीजों का अपन को ध्यान रखना है अब <coughs> अब जैसे ए पॉइंट की अगर अपन बात करें ए पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा जो डायपोल यहां पर नजर आ रहा है डायपोल मोमेंट जो है वो गिवेन पी नॉट बाई रूट टू आई के प्लस जे कैप और इसका अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाए तो पी नोट बाई रूट टू और आई के प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड रूट टू ही आता है तो डायपोल मोमेंट जो है वो पी नॉट के बराबर ही है है ना तो अगर ये पी है तो ए पॉइंट पर ड्यू टू तो इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इस तरफ एग्जिस्ट करना चाहिए कन्फर्म है।, है ना एक्सिस के लॉन्ग मतलब इसकी लाइन के लॉन्ग रहेगा पी वैक्टर के लॉन्ग रहेगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी ड्यू टू डायपोल टू के पी आर ये डिस्टेंस है तो आर तो आर क्यूब आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण अब एक्सटर्नल फील्ड भी है और उसका मैग्नीट्यूड मैग्निट्यूडेंट ई नॉट है एंड इवन उसकी डायरेक्शन भी है अब वो फील्ड किस तरफ होना चाहिए क्या वो फील्ड इस डायरेक्शन से इस तरफ हो सकता है नहीं या तो वो इस डायरेक्शन में होगा या वो इस तरफ होगा दोनों में से किसी एक ही डायरेक्शन में हो सकता है तो या तो मैं इस तरफ उसको करूं या मैं इस तरफ इसको करूं एक ही केस हो सकता है ठीक है तो ए पर फील्ड लाइंस या तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए या यहां पर फील्ड जीरो होना चाहिए तो मतलब ई नॉट की डायरेक्शन जो है वो इतना तो पता लग गया कि इसके पैरल या एंटी पैरल है अब बी पे अगर अगर अपन चलें, बी पर, तो बी पॉइंट पर इस डायपोल से ये एंगल 90 है देखो डायपोल मोमेंट से एंगल 90 है तो इस बी पॉइंट पर ये इक्वेटोरियल लाइन पे चला गया तो बी पॉइंट पर डायपोल के कारण जो फील्ड है वो आएगा के पी नॉट अपॉन आर क्यूब हाफ होता है इससे जस्ट ये तो कंफर्म है अब एक चीज गौर करने वाली ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो जीरो होगा या इस सर्कल के परपेंडिकुलर होना चाहिए अगर मैं फील्ड ये वाला कंसीडर करूं ये वाला तो फिर यूनिफॉर्म है तो यहां पर भी इस तरफ होगा तो फिर इसको कैंसिल कर जाएगा मतलब कैंसिल कर सकता है तो जीरो हो सकता है पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है लेकिन अगर मैं ये वाला कंसिडर करूं तो इसके साथ एड हो जाएगा तो यहां पर फील्ड जो है वो टेंजेंशियल आ गया जो कि गड़बड़ हो जाएगा फिर समझाई बात तो इसका मतलब फाइनली हमें डायरेक्शन पता लग चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इसी तरफ आएगा ई e right? नोट तो e इस तरफ है और केपी नोट अपॉन आर आरक्यू इस तरफ आएगा तो ये हमें अब पता लग चुका है इसका मतलब इस सर्कल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी ये भी सही है तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट कह रहे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ई बीजोनेट जीरो है सही बात है जीरो होना ही चाहिए जीरो नहीं होगा तो गड़बड़ जाएगा यहां पर टेंजेंशियल आ जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट है जीरो होना चाहिए और अगर मैं जीरो करूं इन दोनों को बराबर कर दूं यहां पर तो केपी नॉट अपन टू बी नॉट ना ये दोनों बराबर हो जाएंगे यहां पर तो यहां से चलो देखते हैं आगे देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है सेकंड देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी टू पॉइंट सर्कल विल बी सेम कोई भी दो पॉइंट उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्या ना ये तो गलत है इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर अलग अलग होंगे ना क्योंकि ये हमने तो ये वाली डायरेक्शन तो कैंसिल होगी ये रेड वाली इस तरफ आएगी और ये ग्रीन वाली इस तरफ है दोनों ऐड हो जाएंगे यहां पर तो ये इनकरेक्ट है सेकंड थर्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ई इक्वल और यहां पर ये e रहेगा ही रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म है और डायपोल के कारण कितना है टू केपी नोट अपॉन मतलब टू टाइम्स ऑफ ई नोट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना आया थ्री नॉट आया नहीं आया थ्री नॉट आया ना तो ये देख लेते हैं क्या ये थ्री नोट के बराबर है नहीं है रूट टू ई नोट और आई कैप का मॉड्यूलिस लेंगे तो रूट टू आएगा तो टू ई नोट आ रहा है जो कि इन हो जाएगा थ्री नोट होता तो फिर सही हो जाता फोर्थ कह रहा है आर की वैल्यू पी नॉट फोर ई नोट, नोट की होल पावर वन बाई थ्री है ये चेक कर लेते हैं ये दोनों देखो बराबर है ना यहां पर तो इन दोनों को इक्वेट कर दो पी नॉट के की वैल्यू वन पॉइंट फोर पाई एफ नॉट आर क्यूब इज इक्वल टू ई नोट अब ई नोट इस तरफ आ जाएगा आर क्यूब इस तरफ चला जाएगा पावर वन बाई थ्री हो जाएगा और ये पूरी तरह से मैच कर रहा है इससे तो फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ओके ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मेड यूजिंग फोर डिफरेंट मेटल स्ट्रिंग्स वन टू थ्री एंड फोर विद मास पर यूनिट लेंथ म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर म्यू ओके द इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाई वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग्स बाय वेरिंग द फ्री लेंथ इन बिटवीन द रेंज एल नॉट एंड टू एल नॉट इट इज फाउंड दैट इन स्ट्रिंग वन म्यू एट फ्री लेंथ एल नॉट एंड नॉट द फंडामेंटल मोड फ्रीक्वेंसी इज एफ नोट ओके तो यहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में चार तार हैं फोर वायरस हैं है ना फोर मेटल स्ट्रिंग्स हैं तो यहां पर मैं ड्रो कर लेता हूँ जैसे गिटार होता है ना तो इसमें फोर वायर्स हैं, इसका मास पर म्यू है इस वाले का टू म्यू के इक्वल है इस वाले का थ्री म्यू के इक्वल है और इस वाले का फोर म्यू के इक्वल है और इनकी जो लेंथ है वो कम ज्यादा कर सकते हैं अपन ठीक है लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं बेटा ओके लेंथ जो है वो एल नोट से सॉरी एल नॉट से टू एल नोट तक वेरी कर सकती है लेंथ इनकी और जो फर्स्ट वायर जो आपको नजर आ रहा है इस फर्स्ट वायर की जो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी वो एफ नोट है और एफ नोट अपन जानते हैं फंडामेंटल मोड में हम पता है एफ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी बायू के इक्वल होती है ठीक है तो टेंशन इसमें टी नोट अगर है तो एफ नोट की वैल्यू आ जाएगी वन बाय लेंथ उसके इसमें एल नोट रखी है तो टू एल नॉट और रूट में टी नॉट बायू म्यू इसका मास पर यूनिट लेंथ है तो एफ नोट मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं लेटिंग एंड देयर फर्स्ट थर्ड फिफ्थ फोर्टींथ हार्मोनिक्स रेस्पेक्टिवली दैट ऑल द स्ट्रिंग्स द सेम फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी सबकी सेम रखनी है करेक्ट मैच फॉर द टेंशन इन द फोर स्ट्रिंग्स इन यूनिट्स ऑफ टी नॉट विल बी ओके तो पहला वायर जो है उसकी लेंथ एल नोट है टेंशन जो है वो ऑब्वियसली टी नोट होगा क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक में भी वाइब्रेट हो रहा है ये फर्स्ट हार्मोनिक ही तो है इसका पहले का ठीक है तो पहले की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं एफ नोट लिख देता हूं यहां पर ठीक है यहां पर मैं एफ नोट लिख देता हूं एफ नोट ये कितना आएगा ये हमने हमने रख रखा है ऑलरेडी पहले से टू एल नॉट और अंडर उठ टी बाय म्यू दूसरे की जो है वो थर्ड हार्मोनिक है तो थर्ड अगर हार, थर्ड हार्मोनिक अगर होगा तो ऊपर थ्री आ जाएगा बाय टू लेंथ कितनी दे रखी है दूसरे की थ्री एल नॉट बाय फोर तो थ्री एल नॉट बाय फोर रखो यहां पर बाय फोर फोर ऊपर चला गया अंडर रूट टेंशन पता करना है इसका और म्यू इसका कितना है टू इक्वल है फ्रीक्वेंसी तो बराबर है ना सबकी ठीक है फिर इसका अगला क्या आएगा फिफ्थ हार्मोनिक तो फिफ्थ आ जाएगा ऊपर बाई टू लेंथ कितनी है इसकी फाइव एल नॉट बाई फोर फाइव एल नोट बाई फोर रख दो अंडर रूट टी बाय टू म्यू सॉरी टू म्यू की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे थ्री म्यू क्योंकि थ्री म्यू है देखो ठीक है तो यहां से रफली आइडिया लगा सकते हैं क्वेश्चन सिंपल है इजी है बेटा तो इन दोनों को चेक करते हैं देखते हैं किसका मैच करता है ठीक है तो यहां से uh, बराबर कर दिया है इनको सबको कट कर दो आप तो एल नॉट टी नॉट बाय म्यू सब से कट जाएगा यहां पे कितना आया यहां पे आ जाएगा uh, स्क्रिंग भी कर दो इवन साथ ही साथ क्योंकि कट जाएगा देखो टू कट जाएगा तो केवल टी नॉट है टी नॉट बाय वन इज इक्वल टू यहां बात करें अपन टू कट चुका है ऑलरेडी ठीक है तो टू मैं साइड कर दूं पहले से ही और थ्री से थ्री ये कैंसिल आउट हो गया फाइव से फाइव ये कैंसिल आउट हो गया यहां पर अगर हम बात करें तो ये फोर है स्क्वेयरिंग करोगे तो ये सिक्सटीन राइट तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 और ये टू तो सिक्सटीन बाई टू मतलब एट एट है ना ये एट्टी आ गया नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा देखो सिक्सटीन ये सिक्सटीन आ गया और ये थ्री हो जाएगा तो सिक्सटीन बाई थ्री टी है ना तो इस वे से अपन इसको डील कर सकते हैं बड़ा आसानी से कोई ज्यादा टफ नहीं है तो करेक्ट मैच फॉर द टेंशन द फोर स्टिंग्स इन द यूनिट्स टी नॉट विल बी तो टी नॉट की टर्म्स में हमें आंसर देना है यहां पर नॉट की टर्म्स में आंसर क्या आएगा तो सबसे पहला तो है देखो टी नोट के बराबर स्ट्रिंग वन में जो है वो फर्स्ट जो है वो टी नोट के बराबर आना चाहिए तो ये तो सही है फर्स्ट तो पी से मैच कर जाएगा पी बराबर वन है सेकेंड है टू म्यू टू म्यू की अगर हम बात करें देखो टी नॉट इक्वल टू एट टी है सॉरी यहां पे इसको मेरे को टी वन लिखना चाहिए मैंने यहां पे गलत लिख दिया टी वन टी टू इसको टी वन लिख देता हूँ इसको टी टू लिखता हूँ टी वन कितना आ जाएगा टी नोट बाय एट राइट टी नोट बाय एट तो यहां से अगर हम देखें तो टी नॉट बाय एट कहां पे मिल रहा है नहीं तो यहां हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है वापस एक बार क्रॉस कर लें तो वन अपॉइंटर थर्ड हारमोनी का थ्री टू, एंड एल की थ्री एल नॉट बाई टू ओ होल नॉट बाई टू यहां पर मैंने गलती कर दी ये टू आएगा यहां पर ओके यहाँ पे टू आएगा थ्री एल नॉट बाई फोर नहीं था एल नॉट बाई टू था तो टू का स्क्वेयरिंग कर देंगे तो यहां पर फोर फोर बाई टू मतलब टू आएगा यहां पर है ना का स्क्वेयरिंग फोर फोर बाई टू मतलब टू आ जाएगा यहां पर नेक्स्ट वाले में फाइव एल नोट बाई फोर फाइव ये ठीक है तो ये बाय थ्री तो ये 16 हो जाएगा अब ठीक है तो फर्स्ट तो पी के साथ मैच कर गया सेकंड टू म्यू वाले की बात करें अगर अपन टी टू टी वन बराबर टी नॉट तो मतलब ये वैल्यू आ जाएगी टी नोट बाई टू टी नोट बाई टू मतलब सेकंड वाले के केस में आंसर क्या वन बाई टू वन बाई टू आना चाहिए तो यहां पर पूरी तरह से मैच कर रहा है देखो ये क्यू के साथ सेकंड है थ्री म्यू थ्री म्यू की बात म्य। करें तो ये आ जाएगा टी टू वाला पार्ट

थर्ड का टी मैच कर रहा है इसमें कर रहा है उसमें नहीं कर रहा है इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर तो इजी क्वेश्चन था कोई टफ नहीं था बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में चले अच्छा ये भी इसी का ही पार्ट है आइए देखिए सेम क्वेश्चन वही का वही सेम लिखा हुआ है यहां पर लिस्ट वन लिस्ट टू वैसे बना रखिए इफ द टेंशन इन ई स्ट्रिंग इज टी नोट द करेक्ट मैच फॉर द हाइस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एफ नोट यूनिट विल बी अभी टेंशन सब में सेम है

म्यू सबसे ज्यादा किसका है फोर्थ वाले वायर का है। तो सीधी सी बात है एफ को मैक्सिमम करना है मैक्सिमम करने का मतलब है म्यू सबसे कम हो और दूसरा एल सबसे कम हो एल सबसे कम कितना होगा एल नोटी तो होगा तो सबकी जो फ्री लेंथ है वो एल नोट ही रखनी है अपन को तभी तो फंडामेंटल मोड के लिए फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा आ जाएगी तो एल सबका एल नोट हो गया एल तो सबका एल नोट हो गया अब डिपेंड किस पे कर रहा है केवल म्यू पे डिपेंड कर रहा है इसको और म्यू जो है म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर म्यू अकॉर्डिंग चेंज करेगा इसका मतलब फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है यहां पर एफ नोट तो पहले वाले की अगर मैं एफ नोट कंसिडर करूं तो दूसरे वाली आएगी दूसरी वाली क्या यहां टू म्यू आएगा तो एफ नोट बाय टू आएगा है ना तीसरे वाले केस में म्यू आएगा तो एफ नोट जाएगा और फोर्थ वाले में एफ नोट बाय रूट फोर तो रेशियो क्या आएगा ये अगर हम अपन बात करें स्ट्रिंग वन के लिए तो वन हो जाएगा ये स्ट्रिंग टू के लिए बात करें तो वन बाय रूट टू मतलब सेकंड का आ जाएगा हमारे पास आर थर्ड का कितना आ जाएगा एस

फोर्थ में क्यों आना चाहिए सॉरी फोर्थ में क्यों आना चाहिए फोर्थ में क्यों आ रहा है देखो सारे मैच कर एक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले यस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अपलाइड इन ए रीजन ए चार्ज मास एम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्रोजेक्ट इन द रीजन विद एन इनिशियल स्पीड स्पीड गिवन दिस पार्टिकल इज एम टू हिट ए टारेटेट टी विच फाइव मीटर अवे फ्रॉम इट्स एंट्री पॉइंट इन द फिल्ड एन दिमैटिकलीगर टेकू बाई एम टेन कुल पर केजी देन आ, ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है यहां पे जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही जी को इंक्लूड नहीं करेंगे अपन तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है देखिए और चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी क्यू इन टू ई और इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टेंट है देखो नेगेटिव आई डायरेक्शन में है कॉन्स्टेंट है तो फोर्स अगर इतना है तो मास से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा जैसे जी लगता है वैसे सेम ही एक्सेलेरेशन है तो आपने अगर थीटा एंगल पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो इस पार्टिकल का जो पाथ है वो डेफिनेटली पैराबोलिक होगा ऐसा ठीक है और ये कह रहा है कि फाइव मीटर डिस्टेंस पर यहां पर ये पार्टिकल इस पॉइंट पर स्ट्राइक करता है थीटा थीटा की वैल्यू गिवन नहीं हमें थीटा में निकालना पड़ेगा तो ये एक रेंज होगी ना इसके लिए और रेंज के लिए फॉर्मूला अगर अपन डायरेक्ट अप्लाई कर दे बेटा तो आर बराबर यू स्क्र साइन टू थीटा बाय जी जी की जगह यहां क्या रख देंगे एक्सेलरेशन और ए की वैल्यू क्या है क्यू बाय

तो हंड्रेड इंटू रूट थ्री आपके पास ई आ चुका है और अपॉन में यू स्क्वायर यू जो है टू रूट टेन इंटू ट्वेंट सिक्स होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया फोर और ये टेन फ्री हो जाएगा और ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस टेन मतलब 13, 10 13 आ गई अब यहां से थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं देखो फोर से फोर कट गया ये हंड्रेड ये हंड्रेड टेन टेन ये वैल्यू तो तो कितनी रूट थ्री बाई टू आ गई 3 2. मतलब तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थर्टी डिग्री थीटा अगर थर्टी डिग्री है कोई जरूरी थर्टी डिग्री हो सिक्सटी भी तो हो सकता है क्योंकि सेम स्पीड के लिए है ना सेम स्पीड के लिए

रूट टू माइक्रोसेकेंड ये चेक करना पड़ेगा और फोर्थ में ये कह रहा है टाइम इतना लग रहा है अच्छा थीटा अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो ऑब्वियसली टाइम भी दो आएंगे इसमें कोई दोराई नहीं है टाइम दो आएंगे जिसका मतलब फोर्थ ऑप्शन तो इसका इंकरेक्ट हो गया है ना टाइम दो आएंगे टाइम को कैलकुलेट करना डायरेक्ट लगा देते हैं अपन देखो इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का फाइव मीटर है और इस तरफ वाली वेलोसिटी यू जाएगा और इस तरफ कोई एक्सलेशन भी नहीं है

और जब अगर मैं थीटा की वैल्यू थर्टी रखू तो कितना रूट थ्री बाई टू है ना टू से टू कट गया ये आ जाएगा अपने पास ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव और ये थर्टी है ना तो इसको कट करो तो फाइव ये सिक्स ये रूट फाइव बाई रूट सिक्स आ रहा है इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है कोई दिक्कत नहीं है और अगर मैं 60 रखता है पर पर तो 60? 1 by 2 आता, तो 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 आता 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 ये 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 हो जाता ये 2 हो था, 2 से और भी पॉसिबल है इसका मतलब ये वाला भी है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अंदर सही हो जाएंगे ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आइए वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ एंड स्प्रिंगिक्सड हां इस लाइन uh, पर ध्यान देना बहुत जरूरी है वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ विच मीन्स स्प्रिंग की जो लेंथ है राइट एक्चुअल लेंथ वो ऑलमोस्ट जीरो है वो नेग्लिजिबल है एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इज फिक्स एट ओरिजन जीरो जीरो एट पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास आई एम कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज अटैच टू इट्स अदर एंड

टू केपी अपॉन आर क्यूब होता है और आर कितना एल है तो ये एल क्यूब हो गया ये इस तरफ फोर्स लगा और स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगेगा और एक्सटेंशन जो एल के बराबर ही है क्योंकि नेीरो तो है तो के इंटू में एल ये इक्वेशन फर्स्ट रेडी होगी हमारे पास समझ आई बात नाउ इक्विलस स्लाइटली बाय डेल्टा एल मैं डेल्टा एल को एक्स मान लूंगा स्मॉल है ना इसलिए

और कोई भी पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है ना तो वो मीन के अराउंड ही ऑसिलेट होता है तो ये मीन पोजिशन से अब हमें जो डायपोल के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है तो डायपोल वाला जो फोर्स है वो कितना आएगा डायपोल वाला फोर्स आ जाएगा बिस्केस में टू के पी है ना ये तो फील्ड है अच्छा यहां पे क्यू भी लगाना था मुझे क्योंकि फील्ड इंटू में क्यू रखना क्यू ई इक्वल टू के एल तो टू के पी इंटू क्यू अपन में जगह क्या अपन में आर, क्यूब है, आर, आर की जगह क्या आ एल प्लस थ्री तो लग गया फोर्स इस तरफ और माइनस स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो वो कितना आ जाएगा एल ऑलरेडी था एक्स था तो एक्सटेंशन कितना आ गया एल प्लस एक्स ना तो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा वो है के एल प्लस एक्स है ना के

नेट फोर्स चाहिए अच्छा टू के पी अपन एल क्यूब जो है वो ऑलरेडी के एल था इसकी जगह मैं के एल रख सकता हूं यहां पर ठीक है तो अब इसका यूज नहीं है इसको हटा देते हैं यहां से ठीक है तो उसकी जगह मैं के एल रख दूंगा राइट के एल ब्रैकेट में देखो वन प्लस एक्स बायल की होल पावर माइनस थ्री है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे अपन क्योंकि तो एक्स बहुत छोटा है तो वन माइनस थ्री एक्स बाये वैल्यू आ गई और माइनस के ये आ जाएगा एल प्लस एक्स दिस इज नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो के एल माइनस एल सेल कट जाएगा माइनस का थ्री के एक्स आ गया ये ये माइनस का के एल और माइनस का के एक्स कैंसिल आउट हो गया एफ इज इक्वल टू आ गया माइनस का फोर के एक्स तो अगर फोर्स x के माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आता है तो पार्टिकल डेफिनेटली एस एच एम करेगा और पार्टिकल अगर एस एच एम करेगा तो उस केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट ये कोफिशिएंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको 4k को राइट तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन f इज इक्वल टू आता है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k k कौन सा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज 4k अपॉन m है ना बहुत ही सिंपल सा केस है इतना करने के बाद तो आगे हम कर ही सकते हैं काफी सिंपल अप्रोच है तो 4 को बाहर ले आए यहां पर बाहर आएगा तो 2 2 एंड 2 से कट जाएगा तो 1 अपॉन पाई अंडर रूट k m ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और यहां से अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां से क्लियरली पता लग रहा है डेल्टा इक्वल टू पाई है पाई बोले तो 3.14 तो इसका आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ओके ए स्टेशनरी ट्यूनिंग फोक इज इन रेजोनेंस विद एन एयर कॉलम इन ए पाइप If the tuning fork is moved with the speed of 2 meter per second in front of the open end of the pipe and parallel to it, the length of the pipe should be changed for the resonance to occur with the moving tuning fork. If the speed of sound is in air is 320 meter per second, the smallest value of the percentage change required in the length of the pipe is. देखो, फिर ये जो क्वेश्चन है, देखा जो डोपलर इफ़ेक्ट पर आधारित है, और रेज़ोनेंस ट्यूब साउंड पर है, है ना? कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो, एक रेज़ोनेंस ट्यूब है है ना और क्लॉज एंड मान लीजिए करेक्ट इसमें लिक्विड भरा हुआ है पानी और ये मान के चलते हैं कि फंडामेंटल मोड है आप कोई सा भी मोड अज्यूम कर सकते हो ठीक है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पर तो ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो रहा है तो ये लेंथ कितनी आएगी एल बाय फोर ठीक है एल बाय फोर और यहाँ पर ट्यूनिंग फोक है यहां आप बना सकते हो ट्यूनिंग फोक इसकी फ्रीक्वेंसी जो एफ नोट है सही है तो अगर ये स्टेशनरी है तो ऑब्वियसली ये लेंथ भी फिक्स होगी लेकिन अगर इस ट्यूनिंग फोक को इस रेजन ट्यूब के पास लेके आओगे तो सीधी सी बात है डॉपलर इफेक्ट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो सीधी सी बात है यहां पर भी हमें लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ेगा तब जाकर के वो सेटल हो पाएगा तो ये कह रहा है वो परसेंटेज चेंज कितना है लेंथ के अंदर उसको हमें बताना है यहां पर राइट तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी एफ नोट है और लेंथ अभी एल बाई फोर है और जैसे इसको मूव करवाएंगे स्पीड मान लीजिए वी एस ले लेता हूं मैं इसकी स्पीड इसकी तरफ है है ना ट्यूब की तरफ है तो उसके इसमें यहां पर कितनी फ्रीक्वेंसी हमें फील होगी f इक्व टू एफ नॉट ब्रैकेट v क्योंकि ये सोर्स है सोर्स खुद मूव कर रहा है और उसकी तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब v माइनस वी आ जाएगा ठीक है तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और जब ये फ्रीक्वेंसी अपने पास है तो ऑब्वियसली लेंथ में भी चेंज आएगा अब लेंथ लेंथ को कैसे सेटल डाउन करना है अपन को ओके okay, तो फ्रीक्वेंसी एफ इक्व टू वी बाई एलेमडा होता है राइट वी वी होता है स्पीड ऑफ साउंड इसके लिए बात कर रहा हूं मैं वी स्पीड ऑफ साउंड अपॉन ऑन वेव अब अगर हम बात करें यहां पर यहां पर जो हमें ये फील करवाएगा यहां पर जो लेंथ है लेंथ सपोज ये जो है अब लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज तो आया ही है यहां पर अब न्यू जो लेंथ है वो सपोज ये मैंने गलत देख दिया यहां पर एलेमडा बाई फोर है ठीक है लेमडा ऑफ फोर अब जो न्यू लेंथ है ध्यान से सुनना अगर अब जो न्यू लेंथ है क्योंकि इसके पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी न्यू लेंथ जो है वो मैं एल डैश लिख देता हूं ठीक तो है तो v और ये एल डैश है तो एल डैश डेफिनेटली बराबर होगा तो लैमडा कितना आया फोर एल डैश के तो ये फोर एल डैश के बराबर आ गया और एल डैश जो है वो पहले वाली जो लेंथ थी वो एल थी जब फ्रीक्वेंसी एफ नोट थी तो एल प्लस ये डेल्टा एल हो गया ये मैंने यहां पे लिख दिया ठीक है अब इसको हम सेटल डाउन कर सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमें दे नहीं रखी यहां पर तो मुझे वी को जो है वो एफ नोट की टर्म्स में लिखना पड़ेगा तब जाकर के मैं एफ नोट को कैंसिल आउट कर पाऊंगा तो वो आराम से लिख सकते हैं बाय फोर एल यही तो था तो इसका मतलब ये हो गया यहां पर एफ नोट की जगह मैं लिख सकता हूं वी बाय फोर एल तो यहां पर लिख दिया मैंने वी बाय फोर एल ठीक है बाकी कुछ भी नहीं है वी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक एल को चाहो तो एल को बाहर ला सकते हो आप ठीक है तो एल भी यहां पे कॉमन ले लेंगे अपन तो इसमें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें ओके okay, तो यहां जाएगा वी अपॉन में फोर एल वी माइनस वी एस और यहां जाएगा वन अपॉन में फोर एल एल कॉमन ले लो वन प्लस डेल्टा एल बाई एल ठीक है कैलकुलेशन आप बाकी आप देख लें फोर एल से फोर एल कट गया आ, इसको पलट देते हैं अपन तो ये डिवाइड करेंगे वन माइनस वी एस बाई वी यहां जाएगा वन प्लस डेल्टा एल बाई एल वन से वन कैंसिल आउट हो गया ठीक है और यहां से परसेंटेज चेंज की बात करें तो देखो वो मिल रहा है अपन को डेल्टा एल बाय इंटू हंड्रेड कर दो माइनस वी एस बायटू हंड्रेड आ गया नेगेटिव तो आएगा ही आएगा क्योंकि पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज होनी चाहिए तो लेंथ डिक्रीज़ होनी चाहिए तो ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि लेंथ डिक्रीज होगी इसकी और कुछ मतलब नहीं है वी एस की वैल्यू हमें मालूम नहीं है कितनी है वो उसके लिए चलते हैं पिछले पेज पे वापस तो वी एस की वैल्यू है टू मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड है थ्री ट्वेंटी तो ये यहाँ पे रख देता हूँ मैं डायरेक्ट माइनस को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दो यहाँ ले जाओ माइनस को चाहो तो तो चेंज जो है वो नेगेटिव आएगा तो वी एस जो है वो टू है और वी की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पर थ्री ट्वेंटी तीन सौ बीस आ गया और ये इन में हंड्रेड चलो इसको डिवाइड कर देते हैं यह आ जाएगा सोलह अगेन कट कर दो फाइव बाई एट फाइव बाई एट रखें अपन तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट टू जीरो तो जो परसेंटेज चेंज है वो जीरो पॉइंट सिक्स टू के आसपास है है ना तो काफी स्मॉल चेंज है ये था आपका ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियप इलेक्ट्रिक्लर फेरिकल सर्फेस आर बाई फोर एंड कॉसेंट्रिक विद इज तो ये भी सिंपल कैलकुलेन वाला क्वेश्चन है कोई ज्यादा हाई फाई नहीं है इस क्वेश्चन को आराम से अपन कर सकते हैं देखो डिस्क हमें दे रखी है यहां पे राइट right? तो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेता हूं सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट वन माइनस स्मॉल है सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एक स्फीयर है और फाइव नॉट तो है जो कंप्लीटली उसको इनक्लोज कर लेगा और फाइव जो है वो आर बाय फोर रेडियस का स्फीयर होना चाहिए ठीक है स्पेरिकल रेडियस कितनी उसकी आर बाय फोर है चलिए नेक्स्ट पेज पे चले ओके ध्यान से देखना तो ये है आपके पास डिस्क इस डिस्क चार्ज डेंसिटी रेडियल डिस्टेंस आर पे डिपेंड कर रही है ठीक है तो इस पे चार्ज जो है फैला हुआ है और इसको एक स्फीयर जो है एनक्लोज कर रहा है तो जो है तो स्फीयर जो आप यू इस तरीके से ज्यूम कर सकते हो ये स्फीयर है और स्फीयर की रेडियस आर है है ना तो अपन ये जो है रेडियस आर ले लेंगे और आर की टर्म्स में देखेंगे तो अगर ये आर रेडियस का स्फीयर इसको इनक्लोज करेगा ठीक है आर रेडियस का स्फीयर इसको अगर इंक्लोज करेगा तो स्फीयर के जितनी रेडियस होगी ना उतनी रेडियस की डिस्क की तो अंदर आएगी उसके बाहर वाली डिस्क तो बाहर ही रहेगी उसका चार्ज अंदर इंक्लूड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो क्यू इनक्लोज बाय एप्सैल नोट होता है तो अंदर वाला चार्ज हमें कैलकुलेट करना है तो इस स्फीयर के अंदर वाला चार्ज कितना है अंदर वाली जो डिस्क है वो वो वाला एरिया निकालना है या उसका चार्ज हमें कैलकुलेट करना है ठीक है तो उसको अपन अब देखते हैं तो ध्यान से देखना तो मैं इस डिस्क को डायग्राम ऐसे बना लेता हूं और स्फीयर जो है उसकी रेडियस स्मॉल आर है तो मान लीजिए वो यहां तक है स्मॉल आर की बजाय मैं कुछ और वैल्यू ले, ले लेता हूं स्फीयर की रेडियस जो रड़े है आर डैश है आर डैश है स्फियर की रेडियस कैपिटल आर डैश है तो ये कैपिटल आर डैश है तो इतना ये गोला दिख रहा है आपको ठीक है कैपिटल आर डैश और अब मुझे अंदर वाला चार्ज निकालना तो मैं क्या करता हूं इसके अंदर रिंग कंसीडर कर लेता हूं स्मॉल आर रेडियस की और इसकी जो विड्थ है वो डी आर हो जाएगी तो इसमें कितना चार्ज है वो अपन इजीली निकाल सकते हैं तो ये चार्ज कितना आएगा आ, रिंग का डी क्यू इक्वल टू सिगमा इंटू डी ए इस रिंग का पेरीफेरी वाला एरिया ये एरिया कितना आएगा टू पाई आर डी आर सिग्मा इंटू टू पाई आर डी आर खत्म सिग्मा की वैल्यू आपके पास है यहां पर तो डी क्यू बराबर हमारे पास कितना आ गया सिग्मा सिग्मा की वैल्यू है सिग्मा नॉट ब्रैकेट वन माइनस आर बाई कैपिटल आर और इंटू में टू पाई आर डी आर बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये चार्ज आ गया अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे अपन ठीक है इंटीग्रेट कर देंगे अब फाइनोट की बात कर रहा है तो फाइनोट तो वो है ना कि जब टोटल टोटल चार्ज आ जाएगा टोटल डिस्क कंप्लीट हो जाएगी इसमें तो उसमें लिमिट क्या लगेगी फाइनोट के लिए फाइनोट के लिए लिमिट लगेगी जीरो से कैपिटल आर बाकी ये तो कॉन्स्टेंट है सिग्मा नोट टू पाई ये कॉन्स्टेंट है ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा आर माइनस आर स्क्र बाई टू आर स्क्र बाई कैपिटल आर ये डी आ गया इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से आर तक के लिए और अपॉन में एप्स नोट और फाइव क्या है फाइव यहां पर है आर बाई फोर का जो स्पीय है उसके लिए फ्लक्स पूछा है आर बाई फोर के लिए आपको यही सेम फॉर्मूला लगाना है अगेन जीरो से आर बाई फोर तक आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सिग्मा नोट टू पाई तो कांस्टेंट अगेन वैल्यू वही रहेगी सेम माइनस आर कैपिटल आर डी आर बस लिमिट में फर्क है ये तो आप कांस्टेंट बाहर ले लेको तो, तो वैसे ही कट कर दो इसको आपको इंटीग्रेट करना है और डिवाइड करके आंसर फाइंड करना है ठीक है तो ये अपन आंसर फाइंड कर सकते हैं इसका बाकी कैलकुलेशन बेटा और कुछ भी नहीं है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्र बाई टू आर स्क्वेयर बाई टू अपर लिमिट कैपिटल आ रही कैपिटल बाई टू आ जाएगा माइनस नेक्स्ट वाले का आएगा आर क्यू बाई थ्री आर क्यू बाई थ्री तो ये आर स्क्वेयर रह जाएगा आर से आर कट जाएगा तो आर स्क्र बाई थ्री आएगा तो अपर लिमिट कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल आर स्क्र बाई थ्री ये वैल्यू आगे देखो डिवाइड में अगेन वही सेम अप्रोच आर स्क्वेयर बाई टू लेकिन आर की जगह अपन को क्या रखना देखो बात वही है सेम यहाँ पर सेम चीज ये लेकिन आर की जगह में आर बाय फोर रखना है यहां पर तो ध्यान से रखना है तो आर स्क्वे बाई भी है सही है आर पाय पाय टू भी है माइनस वहां आ जाएगा आर की पावर थ्री आर स्क्वेयर तो बचेगा बचेगा कोई दिक्कत नहीं है और अपॉन आर क्यूब है वहां पर तो आर क्यूब है तो इसका मतलब इंटू फोर ठीक है सिक्सटीन इंटू फोर फोर इंटू तो फोर इंटू तो फोर तो सिक्सटीन इंटू तो फोर हो तो गया और डिवाइड में थ्री भी आएगा ये लो ये वैल्यू आ गई आर्स के यहां से कट जाएगा ठीक है और जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास इसका आंसर आएगा सिक्स पॉइंट फोर जीरो ठीक है सिक्स पॉइंट फोर जीरो वैल्यू आएगी रेशियो लेना था तो बाकी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्टअल बात करें तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है चार्ज निकालना है भाई ठीक है एलिमेंट लेकर के चार्ज अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री Two large circular disks of separated by a distance 0.01 meter are connected to a battery via a switch as shown in the figure. Charged oil drop of density 900 kg per meter cube are released through a tiny hole at the center of the top disk. Once small oil drops achieve terminal velocity, the switch is closed to apply voltage 200 volt across the disks. As a result, an oil drop of radius this meter stops moving vertically and floats between the disks. The number of electrons present in this oil drop is ओके okay. तो ये दोनों डिस्क हमें नजर आ रही है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगाए ऐसे तो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके बराबर हो जाएगा तो यहां पर ये ओल जो है, उस ओल्ड पे एक तो mg लगेगा डाउनवर्ड और इस पे चार्ज है q तो qe नेगेटिव चार्ज है तो qe ऊपर लग जाएगा और ये फ्लोट कर रहा है देन फिर

ठीक है और बाकी एम मास है मास को लिख सकते हैं डेंसिटी टू वॉल्यूम डेंसिटी टू वॉल्यूम टर्म्स में लिखें तो वॉल्यूम हम जानते हैं स्फेरिकल ड्रॉप है तो इसको लिख सकते हैं एम को रो डेंसिटी फोर पाई आर क्यूब ठीक है फोर पाई आर क्यूब जी भी है एल भी है बाई थ्री फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब एंड वी और ये ही. ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ठीक है अब यहां पर बेटा अगर आप ये वैल्यू रखोगे रो की वैल्यू जो है हमें दे रखी है नाइन हंड्रेड के जी पर मीटर क्यूब फोर पाई कॉन्स्टेंट आर जो है वो भी गिवन है एट इन ट्वेंटी पॉवर माइनस सेवन मीटर जी की वैल्यू टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है एल जो है वो जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर दे रखा है वी जो है वो टू हंड्रेड वोल्ट गिवन अपन को और ई e जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑल्सो गिवन वन पॉइंट सिक्स इन ट्वेंटी पावर माइनस नाइनटीन गुलाम अगर हम ये वैल्यू रखेंगे बेटा रखने के बाद इसकी वैल्यू आती है ऑलमोस्ट सिक्स के बराबर ठीक है लगभग सिक्स के बराबर ये वैल्यू आ जाती है तो इसका आंसर सिक्स हो जाएगा ठीक है तो ये कैलकुलेशन खाली कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके ए पॉइंट चार्ज ऑफ ऑफ मास सस्पेंडेड वर्टिकली बाय स्ट्रिंग लेंथ मूव अवे द सिस्टम इंक्लूडिंग द डायरेक्शन

ठीक है तो हमें ये कहा गया है कि ये जो चार्ज है सबसे पहले यहां पे था और आप डायपोल लेके आए एंड देन फाइनली चार्ज यहाँ पे पहुंच गया और सिस्टम अभी रेस्ट में है तो आपने जो वर्क किया वो वर्क डन की वैल्यू एन इन एम जी एच है तो बताइए एन की वैल्यू कितनी है ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है और ये भी क्लियर क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पर कि जो वर्क डन है जो एच है एम जी एच है ना एम जी एच वो इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी है यहाँ पर रेफरेंस लेवल पे हमें एनर्जी को जीरो कंसिडर करना है ठीक है और वकडन कितना आएगा अगर हम बात करें तो शुरू में ये यह पे था बोल और अगर ये यह बोल यहां पे आ चुकी है इसका मतलब तो ही है ना। तो तो है ही है। प्लस इलेक्ट्रिक डायपोल के अगेंस्ट भी हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल जब इंफिनेट भी था एनर्जी तो जीरो है लेकिन जब इलेक्ट्रिक डायपोल यहां पे ला चुकी है तो अब एनर्जी कितनी है ये बड़ी डिस्टेंस आपको जो नजर आ रही है इसको मैं आर मान लेता हूं चलो तो इलेक्ट्रिक डायपोल का यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा पोटेंशियल आएगा आर स्क्वायर और Q से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो करूंगा एनर्जी भी आ जाएगी इसका मतलब यहां पर अब चार्ज की जो एनर्जी वो आ चुकी है के अपॉन अपॉन स्क्वायर स्क्वायर ये तो आ गया पोटेंशियल और इनटू में अगर मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसकी एनर्जी भी आ जाएगी तो भैया हमने जो वर्क किया वो एमजीएच प्लस के पी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर के बराबर है अब हमें ये जो रिजल्ट हमने जो फाइंड आउट किया है इसको हमें अल्टीमेटली एन इन टू में कन्वर्ट करना और एन की वैल्यू निकालनी है मतलब इसको एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये तो ऑलरेडी पहले से ही है तो वो कैसे करें तो अभी के लिए बैलेंस देना कहीं जा नहीं रहा तो बैलेंस करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं ये डायग्राम है यहां पर ये लेंथ एल है ये लेंथ एल है ये वाला एंगल एल्फा है ये डायपोल है यहां पर और ये मास है इस पर एम तो डाउनवर्ड लगेगा इसमें कोई दो नहीं है और जो डायपोल है ये डायपोल इस चार्ज के ऊपर इस तरह फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स ये डिस्टेंस मैंने आर ली है ये वाला एंगल सॉरी हाँ ये इक्लेटर ट्रैंगल नहीं है भाई ये जो ट्रैंगल है वो आपको नजर आ रहा होगा ये आइसोलेस सल है तो ये वाला एंगल अगर एल्फा है दोनों एंगल ये बराबर बराबर होंगे तो ये एंगल्स कितने आएंगे नाइन्टी माइनस एल्फा बाई टू ये वाला एंगल भी कितना आएगा नाइन्टी माइनस एल्फा बाई टू दोनों बराबर बराबर एंगल होंगे ओके तो ये डायपोल जो है ये डायपोल इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो डायपोल का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जानते हैं टू के पी अपोन आर क्यूब होगा और ये चार्ज क्यू है तो इस पर इतना फोर्स लगेगा एम जी डाउनवर्ड लगी ही रहा है इस तरफ टेंशन लग जाएगा टेंशन हमें रखना नहीं है हमें तो केवल इन दो फोर्स से मतलब है क्योंकि मुझे इसको मतलब के पी वाले पार्ट को ही मुझे एम जी में कन्वर्ट करना है तो मैं इन दोनों को ही कंसिडर करूंगा अब मैं यहाँ लामी स्थिरम लगा दूंगा ठीक है बाकी विदाउट लामी स्थिरम करना चाहो तो भी कर सकते हो आप ये दोनों लाइन पर्टिकल है देखो तो सबसे पहले बात करूंगा इस फोर्स की ये फोर्स आपको नजर आ ही रहा है यहां पर ठीक है और ये फोर्स और इसके डिवाइड में आ जाएगा ये वाला एंगल पूरा कंप्लीट अच्छा ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे ठीक है अल्टरनेट एंगल है ये तो ये भी नाइनटी माइनस एल्फा बाई टू पूरा एंगल कितना आ जाएगा वन एट्टी माइनस एल्फा तो ये वाला फोर्स लामी स्टोर लगा रहा हूं मैं टू के पी क्यू अपॉन में आर क्यूब ये तो फोर्स आ गया और लामी स्टोर लगाएंगे तो साइन नाइन वन एट्टी माइनस एल्फा मतलब साइन एल्फा बराबर अब एम जी की बात कर लें एम जी डाउनवर्ड लग रहा है मुझे ये वाला एंगल देखना है अब ये वाला पूरा एंगल 180 एट्टी है नाइन्टी माइनस एल्फा बाई टू सब्टेट कर दूं तो कितना बचेगा 90 प्लस अल्फा बाइ बचेगा इसका मतलब एम जी अपॉन में साइन नाइन्ई टू मतलब क्या जाएगा कॉस अल्फा बाई टू यह आगी वैल्यू अब यहां से देखिए टू के पी क्यू अपॉन आर क्यूब और साइन अल्फा को लिख सकता हूं टू साइन अल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू ठीक है और बराबर एम जी यहां कोस एल्फा बाई टू ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आई इसको मैं यहां से हटा दूं इसको हटा देते हैं चलो तो यहां से अपने पास ये वैल्यू देखो कितनी आई है आ, टू से टू कट कर देता हूं मैं यहाँ पर के पी क्यू मुझे आर स्क्वायर देखना है तो यहां पे आर स्क्वायर आ रहा है और एक आर साइन एल्फा बाई टू भी आ रहा है इसको साइड में लिख देता हूं आर साइन अल्फा बाई टू और इधर आ गया एम जी ठीक है अब इसको गायब कर देता हूं ये वैल्यू चुकी है देखो क्या अब इसको सेटल किया जा सकता है यस किया जा सकता है कैसे देखो मैं बताऊं आर साइन अल्फा बाई टू जो है वो किसको बता रहा है ये देखो ये एच है ना एच ये राइट एंगल ट्रैंगल बन रहा है और ये वाला एंगल एल्फा ये 90 माइनस एल्फा बाई टू है इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है? अल्फा बाई टू आया कि नहीं आया अब जब ये अल्फा बाई टू आर है तो इसका परपेंडिकुलर कितना है और जब यहपी क्यू अपन आर स्को एमजीएच के बराबर है इसका मतलब केपी क्यू अपन आर स्कम एच के, के बराबर है तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा एमजीएच प्लस एमजीएच मतलब टू एमजीएच विच मीन वैल्यू ऑफ एन इज टू है ना ये इसका आंसर हो गया बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड फीर ऑफ सेम मास चार्ज आर सस्पेंडेन एयर फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंट इक्विल एंगल बिटवीन स्ट्रिंग इज एल्फा द स्पीय आर नाउ इमर्ज इन अ डायलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डेंसिटी एट हंड्रेड के जी पर मीटर क्यू तो डायलेक्ट्रिक जो लिक्विड है उसके अंदर इमर्ज किया है उसकी डेंसिटी में लिख देता हूँ सिग्मा इक्व टू एट हंड्रेड है ना के जी पर मीटर क्यूब एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ओके डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के की वैल्यू भी आपको दे रखिए ट्वेंटी वन

ठीक है ये क्वेश्चन एक्चुअल में देखा जाए तो रिपीट हुआ है या रिपीट का नहीं कह सकते अपन देखा हुआ क्वेश्चन आया 2020 के अंदर ठीक है तो अनप्रडिक्टेड था ये आई थिंक ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने सही किया था ये ही के अंदर बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये दो स्फियर हैं तो मैं डायरेक्ट इसके रिजल्ट पर जाऊँगा दो स्फियर है और इन दोनों स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज दे रखा है क्यों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इनकी लेंथ सपोज एल है और दोनों थ्रेड के बीच में एंगल एल्फा है या थीटा जो भी है और इनके बीच का गैप जो है वो आर है अभी के लिए देखा जाए तो ये बैलेंस्ड है तो एम जी डाउनवर्ड लगेगा मास दोनों का सेम है टेंशन इस तरफ लगी जाएगा इस पर भी इस तरफ लग जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स जो है इस तरफ लगेगा एफ ई इसमें भी एफ ई इस तरफ लग जाएगा फिलहाल ये बैलेंस्ड है और ये अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा बाई टू हो जाएगा ये वाला एंगल नाइन नाइन एल्फा बाई टू टी का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस अल्फा बाई टू एम जी को बैलेंस करेगा और इधर वाला टी साइन अल्फा बाई टू एफ ई को बैलेंस करेगा फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन एल्फा बाई टू जो है है टेन एल्फा बाई टू एफी बाय एमजी के बराबर आ जाएगा ये फर्स्ट केस है दूसरा केस ये है कि अगर आपने दोनों को इमर्ज कर दिया किसी लिक्विड के अंदर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्ट काफी तो रिड्यूस होकर एफ बाय के हो जाएगा टोटल फोर्स है यह एफी बाई के टेंशन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा एम जी डाउनवर्ड लग रहा है तो बाइंड फोर्स भी ऊपर लग रहा है ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स जिस लिक्विड के अंदर आपने इमर्ज किया है उसके कारण बाइंड फोर्स लगेगा सिग्मा सिगमा वीजी वी इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों पे लगेगा ऊपर की तरफ ठीक है तो अब अगर आप इसको बैलेंस करोगे इक्वेशन लिखोगे तो टी डैश जो है आ, टी डैश का इस तरफ जो कॉम्पोनट है टी डैशन एल्फा बाई टू जो कि एफ बाई के एक एक है। और ये वाला जो कम्पोनट है टी डैश कॉस एल्फा बाई टू वो एम जी माइनस सिगमा विजी के बराबर हो जाएगा इसका मतलब अगेन एल्फा तो सेम है तो टेन एल्फा बाई टू यहां पर इस केस में कितना आएगा एफ ई बाई के तो एफ बाई के आ जाएगा और एम जी के जगह आ जाएगा एम जी माइनस सिग्मा विजी ठीक है अब ये दोनों बराबर हैं यहां पर दोनों को इक्वल करेंगे अपन तो यहां से एफ ई से एफ ई कट जाएगा तो अपने पास रिलेशन क्या आया के एम जी अब एम तो मास है ना स्पीयर का वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज वी एंड मा एंड डेंसिटी ऑफ स्फीयर लेट से रो है तो एम को लिख सकता हूं मैं रो वी जी आ, वहां पर आ जाएगा सिग्मा वी जी और इस तरफ जो है वो एम जी के बराबर हो जाएगा मतलब रो वी जी आउट VG, VG, VG हो गया है, है। अब इस question के अंदर क्या क्या पूछा गया है? अगर आपने लिक्विड को फिल किया तो क्या इन दोनों स्फीयर के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वो चेंज हो रहा है नहीं वो एफ के बराबर ही है लिक्विड फिल करने के बाद में भी वो फोर्स एफ के बराबर है, ये Fe by K क्या है देखो जो लिक्विड है ना इसके अंदर डायपोल फॉर्मेशन होगा डायपोल्स के कारण भी टोटल चार्ज, चार्ज तो जो फोर्स है, वो लेकिन वाला फोर्स पे कोई, कोई अनचेंज रहेगा दूसरा टेंशन टेंशन ऑब्वियसली चेंज होगा उसमें कोई दो नहीं है क्योंकि एम जी यहां पर है तो और ये सिग्मा विजी है सीधी सी बात है तो फोर्स में चेंज आया ना एंगल चेंज नहीं हो रहा तो इस तरफ जो कॉम्पोनेट है टी डे या टी कोर्स अल्फा बाई टू है ना तो उसमें चेंज आएगा ही आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ सिग्मा वीजी लगने लग गया तो टेंशन डेफिनेटली चेंज होगा और उसके अलावा अगर हमसे लिक्विड आ, इस बॉल की इस फियर की अगर डेंसिटी पूछे तो डेंसिटी निकाल सकते हो जैसे रो आपको दे रखा है यहाँ पर तो सिग्मा तो हमारे पास सॉरी रो हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा दे रखा है के दे रखा है तो यहां से वैल्यू रख दो अपने आप वैल्यू आ जाएगी के की वैल्यू ट्वेंटी है ट्वेंटी रख दो रो अपॉन रो माइनस सिग्मा सिग्मा की वैल्यू एट है ये मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी वन रो माइनस ट्वेंटी त्वैल और ये रो आ गया आप नेगेटिव नेगेटिव ये ट्वेंटी रो आ जाएगा और रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्वेंटी वन इंटू एट हंड्रेड बाई ट्वेंटी तो यहां से इसको सॉल्व करें तो ये फोर्टी आ गया फोर्टी इंटू ट्वेंटी वन की बात करें तो कितना आ जाएगा ये जीरो और ये आ जाएगा फोर और एट है ना तो ये एट फोर्टी किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी आ जाएगी तो चलो देखते हैं क्या है ओके mm -hmm. okay. तो इसको साइड करें थोड़ा फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द अनचेंज्ड रिमेन्स अनचेंज रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्पियर्स रिड्यूसेस नो गलत डेंसिटी ऑफ द स्पियर्स इज़ 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूस ऑब्वियसली सही है ये हमने अभी भी कैलकुलेट किया है ये देखो 840 और फोर्थ है देंशन द स्पीयर्स स्पीय अनचेंज नहीं जी टेंशन चेंज होगा तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएंगे बेटा ठीक है चलिए ओके okay. ठीक है तो ये थे बेटा आपके जेई 2016 से 2020 तक के क्वेश्चंस ठीक है इनमें से कुछ क्वेश्चंस वास्तव में कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे थे ठीक है तो एडवांस के क्वेश्चंस की बात करें तो कॉन्सेपचुअली काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी आसान क्वेश्चंस भी आते हैं तो ऐसा कभी नहीं करना कि क्वेश्चन को पढ़ा आपने और क्वेश्चन uh, कई बार पैसेज में होता है ठीक है तो काफ़ी बड़ा सारा क्वेश्चन नज़र आता है अपन को तो हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन टफ़ होता है नहीं कई बार क्वेश्चन बहुत ईजी निकल जाता है ठीक है तो क्वेश्चन को पेशेंस के साथ अच्छे से पढ़िए ठीक है रिलैक्स होकर के क्वेश्चन को सोचिए क्या है और काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी जेई में पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटैम्प्ट करना ठीक है ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू